Hello, my dear friends, welcome you all on your largest learning platform and academy. I am audible to you. Hello, my dear friends, welcome you all. Okay. Hello, my dear friends, welcome you all on your largest learning platform and academy. I am audible to you. Okay. So, let's start the class today. My name is Mamba Chikil Pradhan and I am having 8 plus year of teaching experience, mentor more than 100,000 students across India and I am having ठीक है, तो these are the some subjects जो मैं इस platform पर लेने वाला हूँ. ओके, अगर अभी तक आपने Unacademy Learning App डाउनलोड नहीं किया तो आई विल रिक्वेस्ट यू प्लीज डाउनलोड दिस ऐप. जैसे इस ऐप को डाउनलोड करेंगे यहाँ पर आपको वेलकम कोड लगाना है पठान, और इस वेलकम कोड को लगाते ही आप Unacademy की जितनी भी स्पेशल क्लासेस है, फ्री कोर्सेज है, उन सभी को एक्सेस कर पाएंगे. और जितनी भी आप स्पेशल क्लासेस देखेंगे उन सभी के लिए आपको क्रेडिट कॉइंस दिए जाएंगे जिनको आप रिडीम कर सकते हैं, और अनअकैडमी के जो सब्सक्रिप्शन है उसमें आप डिस्काउंट पा सकते हैं. अनअकैडमी के ऊपर टू टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शन अवेलेबल है, प्लस और आइकोनिक. प्लस में आपको मिलता है लाइव क्लास, क्रैश कोर्स, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, इंग्लिश हिंदी बैचेस और रैंक रूम बैचेस. आइकोनिक में सारे बेनिफिट प्लस के तो मिलते ही, इसके साथ साथ आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लान, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनल टेस्ट एनालिसिस, स्टडी मटेरियल एंड डाउट क्लियरिंग सेशन भी दिए जाते हैं. प्लस के अगर प्लान की बात करें तो 12 मंथ का प्लान 29,205 में पड़ेगा, जो कि 10% डिस्काउंट के साथ आ रहा है. और इस 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको पठान कोड अप्लाई करना है, ठीक है. और अगर आपको यहां पर ईएमआई पे लेना है तो 2,434, सिमिलरली 24 मंथ का भी यहां पर आपका आ जाएगा. आइकोनिक की बात करें तो 45,225 नो कॉस्ट ईएमआई ऑप्शन में लेना है, 3,769 में आएगा. चलिए, अनअकैडमी आस्क अ डाउट सेशन में आप अपने डाउट को पोस्ट कर सकते हो. यू कैन गेट अ योर हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन वट एवर लैंग्वेज यू प्रीफर, इंग्लिश और हिंदी. जिस भी लैंग्वेज में आप प्रीफर करते हैं उसी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर वीडियो सोल्यूशन मिल जाता है. अनअकैडमी कॉम्बैट जो होता रहता है हर संडे को, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो अनअकैडमी कॉम्बैट को. अनअकैडमी कॉम्बैट एक इंडियाज लार्जेस्ट वीकली कंपटीशन टेस्ट है, जिसके थ्रू आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी पा सकते हैं. तो चैलेंजिंग क्वेश्चंस होते हैं, 60 मिनट का टेस्ट होता है, तो आप इसको दे सकते हैं एंड यू कैन हैवी डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन. आरोहण बैच गेट 2023 ऑलरेडी रनिंग बैच है, ठीक है. तो इसमें नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, जो कि राजीव सर स्टार्ट करें, 27 अक्टूबर से नया सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुका है. न्यू बैच जो है वो है आपका गेट रैंक रूम बैचेस है, जो ऑलरेडी यहाँ पर रनिंग है सभी ब्रांचेस के लिए, सिविल, मैकेनिकल और भी ब्रांचेस के लिए चल रहा है. 20 अक्टूबर से यहाँ पर स्टार्टिंग हो चुकी थी, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं विथ योर सब्सक्रिप्शन. सो नाउ लेट स्टार्ट द टुडे सेशन. चलिए आज की क्लास स्टार्ट करें हम लोग. जितने भी लोग क्लास में आ जाएंगे गुड इवनिंग कर दीजिए. गुड इवनिंग सतेंद्र. ओके, सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अ पंप, ठीक है. और कौन सा पंप डिस्कस करेंगे? सेंट्रीफ्यूगल पंप डिस्कस करेंगे. लेकिन उससे पहले और उसके साथ साथ हम लोग ड्राफ्ट ट्यूब भी लास्ट में समझाएंगे, ठीक है. सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल ये हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्या क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, ठीक है. क्लोज शार्डल क्या होता है, सेमी शार्डल क्या होता है, ठीक है. टाइप ऑफ केसिंग, किस तरह की केसिंग्स होती है, उनके एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, वेलोसिटी ट्रायंगल क्या होगा, हेड ऑफ द पंप क्या होगा, एंड वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस आल्सो, ठीक है. तो ये सारी कहानी है. परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग देखेंगे फॉर द पंप्स. तो ये पूरा कहानी आज हम लोग करने वाले हैं. सो जभी से अभी जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिए क्लास, ठीक है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो माय डियर फ्रेंड, सबसे पहली बात आती है पंप. तो पंप दो टाइप के होते हैं, एक होता है रोटोडायनेमिक पंप और एक होता है पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप. रोटोडायनेमिक पंप के अंदर क्या होता है, हम बेसिकली ब्लेड में एक डायनेमिक एक्शन प्रोवाइड करते हैं, उसकी वजह से हम लोग. पंप का मेनली काम क्या होता है, पंप का मेनली काम होता है वाटर को लो हेड से उठा के हाई हेड पे पहुंचना, ठीक है. पंप का काम क्या होता है, लो हेड से उठा के हाई हेड पर पहुंचाना, ये हमारा पंप का काम होता है. सो बेसिकली हम रोटोडायनेमिक पंप के अंदर जो यूज करते हैं कंसेप्ट, वो होता है फोर्स वर्टेक्स मोशन का कंसेप्ट. क्या करते हैं हम लोग, फोर्स वर्टेक्स मोशन का कंसेप्ट यूज करते हैं. वी यूज अ फोर्स वर्टेक्स मोशन कंसेप्ट. जैसे कि यू नो दैट कि अगर हम लोग किसी ग्लास के अंदर पानी भरें, किसी ग्लास के अंदर पानी भरें, बचपन से हम लोग ये एक्सपेरिमेंट करते आए, ग्लास के अंदर पानी भरें और इस पानी को चम्मच से बहुत तेजी से अगर आप हिला रहे हो तो होगा क्या,
होगा ये कि पानी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा, मतलब पानी जो है ऐसे राइज होता जाएगा, साइड से राइज होता जाएगा। इनिशियल में मान लीजिए पानी का लेवल केवल यहां तक था, लेकिन जैसे जैसे आप उसको जेरी से हिलाओगे तो इसका लेवल जो है वो इंक्रीज होता चला जाएगा। जय सुनो, अब इस केस में तो यहां पर जो वाटर होता है, एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है, एक कॉन्स्टेंट अमाउंट ऑफ वाटर जो गिलास के अंदर आ चुका है वही होता है। लेकिन अगर हम वाटर को कंटिन्यूअसली सप्लाई करता रहें एट द सेंटर और इस रोटेशन को और तेज कर दें, तो वाटर क्या है, एक लेवल हाइट तक राइज हो सकता है। इज दैट क्लियर? सो दिस कंसेप्ट बेसिकली, अगर आप वाटर को बहुत तेजी से हिला रहे हैं, अभी हम लोग चम्मच से हिलाते हैं तो थोड़ा सा ही ऊपर राइज होता है, लेकिन हम वाटर को बहुत तेजी से हिलाएं, बहुत तेजी से रोटेट करें, तो उसकी वजह से क्या होगा, उसकी वजह से वाटर का पोटेंशियल हेड राइज होता है। आप लोगों ने देखा होगा इन केस ऑफ फोर्स वर्टेक्स मोशन हम लोग लिखते हैं जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर बाई 2g। जितना रोटेशनल वेलोसिटी होती है उतना ही पोटेंशियल हेड जेड बढ़ता चला जाता है, इसका मतलब वाटर आपका राइज होता चला जाएगा। बस यहां पर अगर हम कंटिन्यूअसली वाटर को सप्लाई करें एट द सेंटर तो वी कैन इंक्रीज द हेड ऑफ द वाटर, तो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की जा सकती है विद द हेल्प ऑफ दिस मोशन। तो इस कंसेप्ट को हम कहते हैं फोर्स वर्टेक्स मोशन। सो दिस फोर्स वर्टेक्स मोशन बेसिकली यूज फॉर द सेंट्रिफ्यूगल पंप टू राइज द हेड ऑफ द वाटर लेवल। देखो वाटर का हेड यहां पर राइज करना है, कंप्रेस नहीं करना है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है, सर हम कंप्रेस करेंगे। देखो लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस, लिक्विड यहां पर क्या होता है, इनकम्प्रेसिबल सब्सटेंस होता है, और इस वजह से आप उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इसलिए लिक्विड को हमेशा पंप करते हैं हम लोग। और पंप में क्या काम होता है, पंप में काम होता है हेड इंक्रीज करना। ठीक है, सो पहला कंसेप्ट तो हम यू यूज लेते हैं फोर्स वर्टेक्स मोशन का, विद द हेल्प ऑफ दिस कंसेप्ट यू कैन इंक्रीज द हेड। इसमें कोई दिक्कत आपको समझ में आ रही बात? तो जैसे जैसे वही गिलास वाले कंसेप्ट, जितना तेजी से गिलास के अंदर पानी को रोटेट करोगे उतना ही पानी का पोटेंशियल एनर्जी राइज होता चला जाएगा, सेम कंसेप्ट। और वाटर को अगर लगातार आप सेंटर लाइन पर सप्लाई करते जाएं तो वाटर एक लिमिटेड हाइट तक ऊपर राइज कर सकता है। तो दिस कंसेप्ट यूज फॉर रोटोडायनेमिक पंप्स। अब ये पंप के अलग अलग साइज होते हैं, जैसे कि लो हेड पंप, ज्यादा हेड डेवलप नहीं कर रहा है, मीडियम हेड पंप, हाई हेड पंप। ठीक है, तो लो हेड पंप जनरली एक्सियल पंप होते हैं जो कि प्रोपेलर पंप होते हैं। ठीक है, इनके अंदर बेसिकली हेड कम होता है लेकिन डिस्चार्ज बहुत हाई होता है, वी कैन सप्लाई वेरी लार्ज डिस्चार्ज। सो दिस काइंड ऑफ पंप यूज जनरली, जैसे आप यूज कर रहे हो आप पंप, सपोज कि यार नदी से मुझे खेत में पानी पहुंचाना है, तो उस केस में आप एक्सेल पंप यूज करोगे, क्योंकि आपको नदी से खेत में पानी पहुंचाना है तो हेड ज्यादा डिफरेंस आपको मेंटेन नहीं करना है, नदी यहां पर है और खेत यहां पर है आपका। ठीक है, तो अब इसके बीच में आपको पंप लगाना है, तो नदी से आप खेत में पानी पहुंचाना चाहते हो, प्लस पानी जो होगा उसकी क्वांटिटी ज्यादा होगी क्योंकि पूरे खेत में सिंचाई करनी है, तो उसको इस वजह से जो यूज करोगे वो एक्सेल टाइप ऑफ पंप होगा। तो लो हेड पंप क्या होते हैं, जिनके अंदर डिस्चार्ज ज्यादा होता है लेकिन हेड ये ज्यादा मेंटेन नहीं कर पाते। उसके बाद आता है सेंट्रिफ्यूगल मीडियम हेड पंप, जो जिनको थोड़ा सा और उपाय, एक या दो मंजिल घरों में जो यूज होते हैं हम लोग, एक या दो मंजिल हाइट तक हमें पानी पहुंचाना है, तो उस केस में हम मीडियम हेड पंप यूज करते हैं, सेंट्रिफ्यूगल पंप यूज करते हैं, मिक्स फ्लो टाइप ऑफ पंप यूज करते हैं। इसके बाद होता है हमारे पास हाई हेड पंप, जहां हमें बहुत हाई हेड मेंटेन करना है, लेकिन इस केस में हमें डिस्चार्ज फिर कम मिलेगा, इसमें ज्यादा मिलेगा, इसमें कम मिलेगा। जब आप हेड इंक्रीज करने लगोगे तो आपको डिस्चार्ज कम मिलता है, अगर आप ज्यादा हेड इंक्रीज कर रहे हो तो आपको कम डिस्चार्ज मिलेगा, बिकॉज अगर आप पी पावर सप्लाई करते हो तो डब्ल्यू क्यू एच आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। अगर आप पी पावर सप्लाई कर रहे हो तो जितना आप डिस्चार्ज ज्यादा सप्लाई करोगे आपको हेड उतना ही कम मिलेगा, और अगर आप हेड कम है आपके पास तो यू कैन इंक्रीज द डिस्चार्ज। तो जितना ज्यादा आप हेड इंक्रीज करोगे, जितना ऊपर हाइट तक वाटर को सप्लाई करोगे उतना ही आपको डिस्चार्ज कम मिलेगा, पानी कम आपका चढ़ेगा। नेक्स्ट आते हैं पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। इसका कंसेप्ट क्या होता है, इसका कंसेप्ट होता है जैसे कि अगर हमने यहां पर एक पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट लगा रखा है, तो इसका कंसेप्ट ये होता है कि अगर हम पिस्टन को पीछे लेके जाएंगे तो यहां पर क्या होगा, एक सक्शन प्रेशर बनेगा, नेगेटिव प्रेशर बनेगा, और उस नेगेटिव प्रेशर की वजह से आप पानी को शक कर सकते हो फ्रॉम द लोअर हाइट। और जब आप पिस्टन को आगे की तरफ मूव करते हो तो जो वॉल्यूम है उसको हम कंप्रेस कर सकते हैं, तो उसका प्रेशर राइज कर सकते हैं, तो जब प्रेशर राइज करेंगे तो वी कैन डिस्चार्ज दैट वाटर एट हायर हाइट।
सो इस केस में हम क्या करते हैं, जो वॉल्यूम है उसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट करते हैं, वॉल्यूम की जो बाउंड्री है उसको डिस्प्लेस करते हैं। वॉल्यूम जो हमारे पास है, वाटर का वॉल्यूम है, उसको कंप्रेस करने की या उसको डिस्प्लेस करने की हम कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से या तो हम प्रेशर राइज करते हैं या प्रेशर डिक्रीज करते हैं। अंडरस्टैंड? सो दिस टाइप ऑफ पंप इज कॉल्ड वॉल्यूम डिस्प्लेसमेंट पंप। यहां पर आप वॉल्यूम को कंप्रेस करने की लिक्विड इनकंप्रेसिबल है, लेकिन उसका प्रेशर तो बढ़ाया जा सकता है ना। ये कंप्रेस वॉल्यूम में चेंज तो नहीं आएगा, लेकिन उसका प्रेशर तो राइज कर सकते हैं ना हम लोग। तो ये सारे के सारे जो भी हमारे पंप होते हैं, ये सब यूज होते हैं, जैसे गियर पंप हुआ, स्क्रू पंप हुआ, वेन पंप हुआ, ये एक फाइनाइट वॉल्यूम को क्या करते हैं, कंप्रेस करते हैं, उसका वॉल्यूम कम करने की कोशिश करते हैं, जिससे कि प्रेशर राइज हो जाता है। और जब प्रेशर राइज हो जाता है तो हाई प्रेशर से हम सप्लाई करते हैं तो वील गेट अ हायर हेड ऑल्सो। पिस्टन पंप, प्लंजर पंप, डायफ्राम पंप, ये सब इसी पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप का कंसेप्ट है। यहां तक कहानी समझ में आ गई। अब यूज करते हैं, हम बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप सबसे ज्यादा यूज होते हैं। आप लोगों ने इस तरह का देखा होगा पंप, हमेशा आपने घरों में कहीं पर भी बहुत जगह आपने इस तरह के पंप देखे होंगे। दीज आर नोन एज सेंट्रिफ्यूगल पंप। सेंट्रिफ्यूगल पंप में खास बात ये होती है, पंप लगा होता है, इसके साथ साथ ही मोटर डायरेक्टली अटैच होती है, एक ही शाफ्ट से दोनों अटैच होते हैं। मोटर और शाफ्ट दोनों ही एक ही जगह अटैच होते हैं, ठीक है। दिस इज द सेंट्रिफ्यूगल पंप। ये अलग अलग टाइप के हैं, क्लोज और ओपन सेंट्रिफ्यूगल पंप। देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट ऐसे ही है कि भाई हम लोग जो फाइनाइट वॉल्यूम है हमारे पास, उस फाइनाइट वॉल्यूम को हम क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब भी प्रेशर इंक्रीज करना है या हमें एनर्जी सप्लाई करनी है इन केस ऑफ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट, तो हम क्या करते थे, हमारे पास एक फाइनाइट वॉल्यूम हुआ करता था, उस फाइनाइट वॉल्यूम को हम लोग क्या करते थे, कंप्रेस करते थे, एंड वी रिड्यूस इट्स वॉल्यूम। तो उससे क्या होता था, फाइनाइट वॉल्यूम का प्रेशर इंक्रीज हो जाता था, ठीक है। तो बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहां पर आप क्या कर रहे हो, बेसिकली आप वॉल्यूम कम कर रहे हो। जब वॉल्यूम कम कर रहे हो तो आप इसको सप्लाई कर रहे हो वर्क, इसको बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। हम लोग क्या कर रहे हैं, पिस्टन का डिस्प्लेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अब पॉजिटिव नेगेटिव उसके सेंस के हिसाब से बोला जाता है। अगर पिस्टन पीछे ले जा रहे हो सो इट्स नेगेटिव सक्शन क्रिएट कर रहे हो तो इट्स नेगेटिव, और अगर आप आगे ले जा रहे हो तो इस तरह से सक्शन, और बिकॉज यहां पर हम वर्क सप्लाई कर रहे हैं तो इसलिए इसको पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप बेसिकली कह देते हैं। बेसिकली कुल मिला के कहानी ये है कि हम किसी वॉल्यूम जो है उसकी बाउंड्री को कम या ज्यादा कर रहे हैं। तो बेसिकली जो वॉल्यूम वॉल्यूम को आप कम और ज्यादा कर रहे हो तो उसकी बाउंड्री को डिस्प्लेस कर रहे हो, और उस डिस्प्लेसमेंट को आप पॉजिटिव और नेगेटिव अपने सेंस में कह सकते हो। देखो, रोटरी और रोटो डायनेमिक में क्या फर्क है। रोटरी का मतलब होता है केवल रोटेट करना, रोटरी का मतलब होता है रोटेट कर रहा हूं भाई। रोटो डायनेमिक मतलब हम एक एक्शन क्रिएट कर रहे हैं, जैसे कि मान लीजिए फ्रूट को हम लोग क्या कर रहे हैं, रोटेट करके क्या कर रहे हैं, रोटेट करके उसका हेड इंक्रीज कर रहे हैं, रोटेट करके हम हेड इंक्रीज करें। सो रोटरी और रोटो डायनेमिक बात एक ही है। रोटो डायनेमिक का मतलब क्या होता है, रोटो डायनेमिक का मतलब होता है आप रोटो डायनेमिक का मतलब होता है कि भाई हम लोग रोटो डायनेमिक का मतलब होता है कि उस ऑक्शन से, रोटरी मोशन से हम कुछ चीज डेवलप कर रहे हैं, जैसे कि हम पोटेंशियल हेड डेवलप कर रहे हैं। सो कुछ एक्शन हम अगर डेवलप करें, रोटरी मोशन तो सिंपली रोटेशन आप कर रहे हो। ये WQN फॉर्मूला कहाँ से आया, देखो यार ये कोई कहीं से भी नहीं आया, ये फॉर्मूला ये है, मास फ्लो रेट इंटू GH। भाई अगर आप किसी चीज का हेड राइज कर रहे हो तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी राइज कर रहे हो, नहीं कर रहे हो। सपोज अगर आप कोई वाटर का मास आपके पास है MGH, इसको अगर आप H हाइट तक ले जाते हो तो कितनी एनर्जी इंक्रीज कर रहे हो उसकी, MGH। अब अगर हम इसको पर सेकंड के रेस्पेक्ट में बात करें तो ये पावर हो जाएगा, एनर्जी सप्लाई पर सेकंड विल बी द पावर। तो उसके लिए हमें टाइम से अपॉन करना पड़ेगा, तो MGH अपॉन क्या हो जाएगा, टाइम। सो M/T क्या हो जाएगा, मास फ्लो रेट। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, मास फ्लो रेट इंटू GH। अब मास फ्लो रेट को क्या कहते हैं, डेंसिटी इंटू क्यू कह सकते हैं, क्योंकि मास फ्लो रेट का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, रो ए वी, और ए वी क्या होता है हमारे पास, डिस्चार्ज होता है।
तो इसको डेंसिटी क्यों कहा, ये जी हो गया, ये एच हो गया, और डेंसिटी इंटू जी को हम एक फॉर्मूला होता है स्पेसिफिक वेट कहते हैं, तो ये इसको स्मॉल डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं स्पेसिफिक वेट। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया हमारे पास, स्मॉल डब्ल्यू क्यू एच। इज दैट क्लियर? सो स्मॉल डब्ल्यू क्यू एच हो गया हमारे पास पावर। तो इस फॉर्मूले से आपको क्या समझ में आ रहा है कि अगर आप ज्यादा एच प्रोड्यूस करोगे तो क्यू कम होगा, और क्यू, यस, क्यू इंक्रीज करोगे, यस, ये पोटेंशियल एनर्जी है, लेकिन एनर्जी पर सेकेंड, एक सेकेंड के अंदर जितनी एनर्जी ट्रांसफर करते हो उसको पावर ही तो कहते हैं हम लोग। हमेशा एनर्जी पर सेकेंड बात करोगे ना यार, टोटल एनर्जी की थोड़ी बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि यहां तो जो फ्लो एक्शन हो रहा है कंटिन्यूअसली हो रहा है, तो एक सेकंड के रिस्पेक्ट में बात करते हैं, तो इसलिए हम टाइम से फोन करेंगे। यहां तक बात समझ में आ गई? सो नाउ वी विल मूव टू द प्रिंसिपल। व्हेन अ सर्टेन मास ऑफ लिक्विड इज मेड टू रोटेट बाय एक्सटर्नल फोर्स, इट इज थ्रो अवे फ्रॉम द सेंट्रल एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड सेंट्रिफ्यूगल हैज इंपार्ट इनेबल टू राइज द हायर लेवल। ठीक है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि फोर्स वर्टेक्स मोशन पर ये काम करता है। नाउ इफ मोर लिक्विड इज कॉन्स्टेंटली मेड अवेलेबल एट द सेंटर ऑफ रोटेशन, ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ लिक्विड एट हायर लेवल मे बी इंश्योर्ड। ठीक है, सिंस इन दिस पंप द लिफ्टिंग ऑफ लिक्विड इज ड्यू टू सेंट्रिफ्यूगल एक्शन, दिस आर कॉल्ड एज सेंट्रिफ्यूगल पंप। बात समझ में आ गई? जो मैंने आपको कहा वही सेम कंसेप्ट यहां पर आपको लैंग्वेज में लिखा हुआ है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको सेंट्रिफ्यूगल एक्शन दे रहे हैं और कंटिन्यूसली वाटर जो है सेंटर पे हम सप्लाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये बेसिकली एक हाई तक राइज हो रहा है, कंटिन्यूसली वी आर सप्लाई एट हायर लेवल। तो अगर हम बोलें कि यार मैक्सिमम हाइट कितना राइज हो सकता है इन केस ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप, तो बेसिकली मैक्सिमम हाइट विच कुड बी राइट इन अ सेंट्रिफ्यूगल, इससे कम ही होगा, दैट इज ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई। दिस इज द मैक्सिमम हाइट कुड बी राइज इन द सेंट्रिफ्यूगल पंप। तो जो भी मैक्सिमम हाइट होगा दैट कुड बी राइज, तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, ये सेंट्रिफ्यूगल पंप की रेडियस पे डिपेंड करेगा, आउटर रेडियस और इनर रेडियस पे डिपेंड करेगा। सो ये होता है, इससे कम ही होगा, इतना आप एनर्जी इंपार्ट कर सकते हो। तो मैक्सिमम लेवल ऑफ वाटर कुड बी राइज इन द सेंट्रिफ्यूगल पंप इज लेस देन ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई टू जी, दिस इज आउटर रेडियस, दिस इज द मैक्सिमम पॉसिबल हेड अ सेंट्रिफ्यूगल पंप कुड बी डेवलप। इससे ज्यादा आपका हेड वो डेवलप नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स वर्टेक्स मोशन पर डिपेंड कर रहा है। तो अब एक बात बताओ, अगर हम कांस्टेंट आरपीएम से सेंट्रिफ्यूगल पंप को रोटेट कर रहे हैं, तो हमको अगर हेड इंक्रीज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिकली सेंट्रिफ्यूगल पंप का एक्सटर्नल और इंटरनल रेडियस में चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, क्या करना पड़ेगा, एक्सटर्नल रेडियस बढ़ाना पड़ेगा भाई। ज्यादा रेडियस तक हम बढ़ाएंगे तो ही हम लोग क्या कर सकते हैं, और ज्यादा मैक्सिमम हेड, तो जैसे जैसे हमारा हेड डेवलप बढ़ता जाता है वैसे वैसे सेंट्रिफ्यूगल पंप का जो साइज होगा वो बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। जितना ज्यादा हमें हेड बढ़ाना है, बड़ा ज्यादा हाइट तक अगर वाटर को पहुंचाना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मुझे आरपीएम बढ़ाने पड़ेंगे, या तो मैं आरपीएम बढ़ाऊं मतलब हाई पावर की मोटर लेके आऊं, या फिर मैं पंप बड़ा लेके आऊं, दो कंडीशन है, या तो मैं मोटर बड़ी लेके आऊं, मोटर जो है ज्यादा आरपीएम से रोटेट करी तो ज्यादा हेड डेवलप हो जाएगा, या फिर मैं ज्यादा बड़ा पंप लेके आऊं, दोनों कंडीशन है, तो ही है मैं क्या कर सकता हूं, एट डेवलप अ हायर हेड। अब रोटो डायनेमिक पंप आर क्लासिफाइड एज, तो रोटो डायनेमिक पंप जो है वो कैसे कैसे क्लासिफाइड होते हैं वो हम लोग बात करते हैं। जैसे कि सेंट्रिफ्यूगल पंप होता है, हाफ एक्सियल और मिक्स्ड फ्लो पंप होते हैं, एक्सियल फ्लो पंप होते हैं, ये फ्लो के हिसाब से बात किया गया, ये सेंट्रिफ्यूगल एक्शन, तो हम जनरली जो पढ़ेंगे वो सेंट्रिफ्यूगल पंप पढ़ेंगे, हमारे कोर्स में वही है सेंट्रिफ्यूगल पंप, वही टर्बाइन पंप को सेंट्रिफ्यूगल पंप कहते हैं। ठीक है, अब जो सेंट्रिफ्यूगल पंप्स होते हैं वो अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि सेंट्रिफ्यूगल पंप में भी रेडियल फ्लो पंप होता है, एक्सियल फ्लो पंप होता है, मिक्स्ड फ्लो पंप होता है। तो रेडियल फ्लो पंप को हम रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन से भी जोड़ के देखते हैं,
एक्सेल फ्लो पंप को हम कैपलेन टर्बाइन से भी जोड़ के देखते हैं, मिक्स फ्लो पंप को हम मिक्स फ्लो फ्रांसिस टर्बाइन से भी जोड़ के देखते हैं। अब कई बच्चे पूछेंगे सर रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन क्या है। सो माय डियर फ्रेंड, एक इनिशियल डेज में एक फ्रांसिस टर्बाइन हुआ करता था जिसके अंदर इनलेट भी आपका रेडियल डायरेक्शन में होता था और आउटलेट भी आपका रेडियल डायरेक्शन में होता था, ठीक है। इनलेट भी रेडियल होता था और आउटलेट भी रेडियल होता था, आउटलेट पे भी वेलोसिटी जो है वो रेडियल होती थी, इनलेट पे भी वेलोसिटी जो है रेडियल हुआ करती थी। तो इसकी वजह से जो पावर डेवलप होता था वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन, इस पावर डेवलप में जो हम इनिशियल में क्या कर देते थे वी डब्ल्यू टू को वी डब्ल्यू वन को जीरो कर देते थे, वो जीरो नहीं होता था, ठीक है। तो इसकी वजह से जो पावर डेवलप होता था फ्रांसिस टर्बाइन में वो कम होता था। तो फिर बाद में मॉडिफाई करके हमने फ्रांसिस टर्बाइन को क्या किया, मिक्स फ्लो टर्बाइन कर दिया। तो उससे हमारा वी डब्ल्यू वन जीरो हो गया क्योंकि आउटलेट एक्सियल होने के कारण उस डायरेक्शन में रेडियल डायरेक्शन में कोई भी वेलोसिटी का कंपोनेंट नहीं आ रहा था, मतलब टेंजेंशियल डायरेक्शन में एट एग्जिट कोई वेलोसिटी कंपोनेंट नहीं आ रहा था, जिसकी वजह से हमारा जो पावर आउटपुट है वो बढ़ गया, ठीक है। सो सेंट्रीफ्यूगल पंप में अभी भी वो कंसेप्ट यूज होता है। तो इनको हम लोग क्या यूज कर सकते हैं एज अ बेसिकली ये रिवर्स ऑफ टर्बाइन है। यहां तक बात समझ में आ गई आपको भाई, रेडियल पंप कुछ नहीं होता था जिसके अंदर एक्चुअली हम लोग फ्रांसिस टर्बाइन की बात करते हैं तो क्या होता है, रेडियल इन होता है और एक्चुअली आउट होता है। रेडियल फ्रांसिस टर्बाइन में क्या होता है, रेडियली इन होता है रेडियली आउट होता है। ये पुराने टाइप का फ्रांसिस टर्बाइन है जो अब हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इसके अंदर जो पावर आउटपुट हमें मिलता था वो कम मिलता था, बता दिया मैंने। अब आता है एडवांटेज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। भाई सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज करने के कुछ तो एडवांटेज होंगे, इसलिए हम लोग हर जगह सेंट्रीफ्यूगल पंप मैक्सिमम टाइम यूज करते हैं। सबसे पहला जो इसका एडवांटेज है वो कॉस्ट ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज लेस बिकॉज इसके अंदर बहुत ही कम पार्ट यूज होते हैं। तो वी आर टॉकिंग अबाउट एडवांटेज विद द रेफरेंस ऑफ पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट रेसिप्रोकेटिंग पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप से हम एडवांटेज की बात करें, इसका जो इंस्टॉलेशन होता है मेंटेनेंस होता है वो बहुत चीप होता है क्योंकि इसके अंदर कोई भी बेसिकली वियर एंड टीयर बहुत ज़्यादा नहीं होता है क्योंकि पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट या रेसिप्रोकेटिंग पंप में तो क्या होगा, बेसिकली पिस्टन और सिलेंडर के बीच में क्या होगा, बहुत ज़्यादा वियर एंड टीयर होगा, उसकी वजह से मेंटेनेंस करना, लुब्रिकेशन प्रोवाइड करना, लुब्रिकेंट ऑयल चेंज करना बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिक्वायर्ड होता है। बट इन केस ऑफ दिस इज नॉट रिक्वायर्ड। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा होगा, रेसिप्रोकेटिंग पंप में हमें डिस्चार्ज इतना नहीं मिलता, सेंट्रीफ्यूगल पंप में हमें कंटिन्यूस डिस्चार्ज मिलता और बहुत ज़्यादा डिस्चार्ज मिलता है, इसलिए मोस्ट ऑफ द केस में वी यूज सेंट्रीफ्यूगल पंप। रेसिप्रोकेटिंग पंप में एक तो डिस्चार्ज हमें डिसकंटिन्यूस मिलता है, कंटिन्यूसली डिस्चार्ज नहीं मिलता, कंटिन्यूस के लिए फिर हमें डबल पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करने पड़ते हैं, और दूसरी बात होती है जो डिस्चार्ज होता है वो क्वांटिटी बहुत कम होती है, ठीक है। सो दिस इज द रेसिप्रोकेटिंग पंप। और नेक्स्ट एडवांटेज होता है इसका कॉम्पैक्ट साइज, इसका वेट एंड साइज बहुत ही कॉम्पैक्ट होता है, ठीक है, स्मॉलर साइज वेट इसका सेम होता है। तो आपने कई बार देखा होगा कि मोटर के साथ पंप लगा होता है, हमें पता ही नहीं कि पंप लगा भी है। द परफॉर्मेंस करेक्टरिस्टिक आर सुपीरियर देन रेसिप्रोकेटिंग पंप, इसलिए इसको ज्यादा इंप्लॉय यूज किया जाता है। और इसका सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये किसी भी तरह के फ्लूड को पंप कर सकता है, चाहे वो मड ही क्यों ना हो, चाहे वो सीवरेज का वाटर ही क्यों ना हो, ऑयल क्यों ना हो, शुगर मोलास क्यों ना हो, पेपर पल्प क्यों ना हो, कितना भी आपको कचरा पट्टी कुछ भी दिख रहा हो, उस सभी को वो पंप कर सकता है। इसका मतलब आपने देखा होगा सीवरेज की पाइपलाइंस में हम लोग पंप के थ्रू वाटर को निकालते हैं, पंप करते हैं, आपने देखा होगा सीवरेज वगैरह जो लाइंस होती है उसमें से निकाला जाता है, या फिर आपके घर का जो टैंक होता है उसमें से भी सीवरेज या गंदा वाटर निकाला जाता है। तो कितना भी टाइप का मडी सोल्यूशन हो, कई बार आपने देखा होगा कि कंक्रीट को पंप किया जाता है, जैसे कि कंक्रीट को पंप किया गया था बुर्ज खलीफा के अंदर। बुर्ज खलीफा के अंदर प्रॉब्लम ये थी कि जब वो कंक्रीट बना के ऊपर सप्लाई कर रहे थे तो हाइट इतनी थी कि ऊपर जाते जाते कंक्रीट जम जा रहे और टेम्परेचर भी वेरी कर रहा था। तो फिर उन्होंने क्या किया, इंसुलेटेड पाइप यूज़ किए और इंसुलेटेड पाइप में पंप लगाए और पंप के थ्रू उन्होंने जो कंक्रीट है उसको बेसिकली हायर हाइट तक सप्लाई किया। सो सेम चीज़, मतलब ये पंप जो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप किसी तरह का फ्लूड को पंप कर सकता है, दिस इज वेरी एडवांटेज थिंग ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप। इसका मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसके अंदर डिब्रीज हैं, यस, किस तरह का है कोई फर्क नहीं पड़ता।
इट कैन बी ऑपरेट एट वेरी हाई स्पीड विदाउट एनी डेंजर ऑफ सेपरेशन एंड कैविटेशन। अब आप बोलोगे सर सेंट्रिफ्यूगल पंप में तो कैविटेशन होता ही है। सर कैविटेशन हम लोग बेसिकली रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी कैविटेशन होता है। कब होता है? जब वो हाई स्पीड पर वर्क करता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि जब वो हाई स्पीड पर वर्क कर रहा है तो यहाँ पर फ्लूड एंटर हुआ ही नहीं अभी तक और पिस्टन पीछे चला गया, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या होता है, लो प्रेशर रीजन बन जाता है, काफ़ी लो प्रेशर रीजन बनता है और उस लो प्रेशर रीजन की वजह से यहाँ पर कैविटी बबल बनना स्टार्ट होते हैं। तो रेसिप्रोकेटिंग पंप में जो कैविटेशन होता है वो हाई स्पीड की वजह से होता है और सेंट्रीफ्यूगल पंप में जो कैविटेशन होता है वो बेसिकली लो सक्शन हेड की वजह से होता है। हम अगर ज्यादा गहराई से पानी को खींच रहे हैं तो उसकी वजह से होता है, इसमें स्पीड की वजह से कैविटेशन नहीं होता। इसके बारे में हम बात करेंगे। स्पीड की वजह से कैविटेशन रेसिप्रोकेटिंग पंप में होता है। तो अगर कोई इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछ ले कि क्या रेसिप्रोकेटिंग पंप में कैविटेशन होता है, कि हाँ सर होता है। कब होता है? जब रेसिप्रोकेटिंग पंप की स्पीड ज्यादा होती है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो फ्लूड अभी तक एंटर ही नहीं किया, पिस्टन नीचे चला गया, जिसकी वजह से पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट के अंदर एक लो प्रेशर जोन बन जाता है। उस लो प्रेशर जोन की वजह से कैविटेशन होता है, सिलेंडर की वॉल पे छोटे छोटे कैविटी बबल बनते हैं, विच इज वेरी डेंजरस फॉर द रेसिप्रोकेटिंग पंप। सेंट्रीफ्यूगल पंप में कैविटेशन होता है और इनलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है। क्यों होता है? कि अगर आप बहुत लोअर हाइट से वाटर को खींच रहे हो तो एट द इनलेट ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल पंप आपका जो प्रेशर बनता है, इट्स वेरी लेस देन वेपर प्रेशर या एटमोस्फेरिक प्रेशर। सो दैट इज द पॉसिबिलिटी कि वी कैन हैव अ कैविटेशन। तो ध्यान रखना, रेसिप्रोकेटिंग पंप में भी कैविटेशन होता है। तो कई बच्चे इसको ऐसे सोच लेते हैं तो ये चीज गलत है। तो बोथ फिनोमेना हैविंग हैपन, अब वो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करें। जो हमारा बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप होता है, इसको डायरेक्टली हम इलेक्ट्रिकल मोटर और इंजन ऑयल से, अब तो ऑयल इंजन ऑयल वाले इंजन तो यूज होते नहीं है, बट इलेक्ट्रिकल मोटर से हम इसको कपल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो पिक्चर के अंदर कि इसको डायरेक्टली कपल किया हुआ है, पंप को जस्ट वहां पर सामने लगा दिया गया है। जब हमने पंप का डायग्राम बनाया था, ये बस कपल्ड है, डायरेक्ट कपल है, दोनों एक ही शाफ्ट पर लगे हुए। तो ये एक इसका एडवांटेज और है, जिससे कि लॉसेस थोड़े कम हो जाएंगे। टॉर्क एंड पावर सोर्स इज यूनिफॉर्म, सो पंप जो है वो यूनिफॉर्मली वर्क करता है। लेकिन अब इसमें हाउएवर, लेकिन फिर भी हम रेसिप्रोकेटिंग पंप क्यों यूज करते हैं आजकल हेड, उसका एक रीजन ये है, रेसिप्रोकेटिंग पंप आर स्टिल इंप्लॉय ऑफ हायर एफिशिएंसी। द रेसिप्रोकेटिंग पंप आर स्टिल इंप्लॉय फॉर हाई हेड एंड स्मॉल डिस्चार्ज। Because reciprocating pump can build up high pressure, और that's why this pump are used for lifting oil from very deep well. तो जब हमें बहुत नीचे से सक्शन करना है, मतलब नीचे से हमें किसी चीज को खींचना है, तो फिर वहां पर आप सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज नहीं कर सकते, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप में फिर कैविटेशन आने लगेगा। तो जब बहुत लो सक्शन हेड होता है तब हम लोग क्या यूज करते हैं, रेसिप्रोकेटिंग पंप यूज करते हैं। जैसे कि हैंड पंप की आप बात कर लो, छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, हैंड पंप कहाँ यूज होते हैं भाई? हैंड पंप में पानी को जब बहुत नीचे से खींचा जाता है, सप्लाई तो हम तो डायरेक्टली वहीं कर रहे हैं ग्राउंड लेवल पे, वाटर को बहुत नीचे से खींचा जाता है, तो फॉर दैट वी आर यूजिंग अ हैंड पंप। बात समझ में आ गई? तो जब बहुत लो सक्शन हैंड हमें रिक्वायर्ड है, इन दैट पर्टिकुलर केस वी आर यूजिंग अ रेसिप्रोकेटिंग, फिर वहां पर हमारे पास ऑप्शन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप आप यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि उस केस में तो फिर क्या होगा, उस केस में हमारे पास कैविटेशन होने लगेगा एट द सेंट्रीफ्यूगल पंप इनलेट, बिकॉज बहुत नीचे से ग्राउंड लेवल पर वाटर नीचे चला गया। अब कई लोगों ने देखो सर, हम लोग घर में मोटर लगाते हैं सर, पंप लगाते हैं सर, जब हमारा घरों में हैंडपंप नहीं होता ना सर, तो कई घरों में सर मोटर भी लगी होती है, उसका क्या कंसेप्ट सर? सर हमने सुना है जेट पंप लगा नाम की चीज भी होती है सर, एक मोटर भी हम लगाते हैं सर, है ना, तो इस टाइप का हम पंप भी लगाते हैं सर। सर वो तो सर रेसिप्रोकेटिंग पंप नहीं होता, तो कोई बताएगा वो कौन सा पंप होता है?
बेसिकली अब जैसे मान लो, अब कंडीशन ये है कि मान लो मुझे बहुत नीचे से गहराई से वाटर को शक करना है। जैसे कई घरों में होता है ना, मोटर लगाते हैं, सर मोटर लगाई, वो मोटर नहीं बेसिकली तुम पंप लगाते हो, कई लोग उसको मोटर बोलते हैं। अब बहुत गहराई से तुम्हें वाटर को खींचना है, वाटर का लेवल सपोज यहाँ पर है और पंप का जो डिस्चार्ज है वो कहीं यहाँ पर होगा, बहुत गहराई से तुम्हें वाटर को खींचना है। तो हम लोग क्या करते हैं, एक शाफ्ट को यहाँ पर डालते हैं, उस शाफ्ट के अंदर 3 या 4 रेसिप्रोकेटिंग पंप सीरीज में लगे होते हैं, और ये जो सीरीज वाले पंप है ये इसका हेड बढ़ाएंगे। क्योंकि अब इस शाफ्ट के साथ तुमने पंप को अंदर ही डाल दिया तो जो सक्शन हेड है वो तो खत्म ही हो गया ना भाई, जिस जहां से तुम्हें वाटर को शक करना है तुमने पंप को वहीं डाल दिया, तो जो सक्शन हेड है वो तो जीरो हो गया, सक्शन हेड तो खत्म हो गया, तो जो कैविटेशन वाली प्रॉब्लम थी वो खत्म हो गई। कैविटेशन तो तब होता जब मैं पंप को यहां लगाता और फिर यहां से मैं, हाँ, समरसिबल पंप जिसको यूज कहते हैं, कई बार आपने सुना होगा समरसिबल नाम से चीज। समरसिबल का मतलब क्या है, समरसिबल, तो उस केस में क्या हो गया, सक्शन हटा, जीरो हो गया, फिर आप क्या करोगे, सीरीज में लगा दोगे, तो उससे क्या होगा, आप इस वाटर को हाई हेड तक पहुंचा सकते हो, उसके अंदर 2-3 पंप जो है सीरीज में लगे होते हैं। अच्छा, गाँव में आपने जेट पंप का नाम सुना होगा, जेट पंप। अच्छा, जेट पंप का काम क्या होता है, गाँव वगैरह में यूज होता है काफी जेट पंप। जेट पंप का काम क्या होता है पढ़ेंगे हम लोग उसके बारे में। जेट पंप क्या करता है, जेट पंप जैसे कुएं वगैरह से पानी खींचता है और ज्यादा मतलब फ्लूड को ज्यादा डिस्चार्ज भी हमें सप्लाई करता है। चलो इसके बारे में पढ़ना है एक बार, जेट पंप क्या होता है, लेट्स सी। यहां तक कहानी हो गई कंप्लीट, तो दिस इज कॉल्ड पंप, ये सारी कहानी है, ठीक है। अब देखो पंप का जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह से दिखता है, ये जो होता है पंप का इंपीलर होता है जो कि रोटेट कर रहा है। नहीं, समरसिबल में कोई, अरे समरसिबल का मतलब क्या है, ये जो पंप है ना उसको हमने सबमर्ज कर दिया वो फ्लूड के अंदर, तो जब सबमर्ज कर दोगे तो फिर तुम्हारा सक्शन हेड खत्म हो गया ना, और यूज तो तुम यहां पर क्या कर रहे हो, यूज यहां पर तुम बेसिकली सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज कर रहे हो, क्योंकि कई बार आपने देखा समरसिबल पंप में तुम्हें डिस्चार्ज भी ज्यादा मिलता है, हाई डिस्चार्ज मिलता है। जब हम रेसिप्रोकेटिंग पंप, अभी हैंड पंप और समरसिबल पंप में एक डिफरेंस देखना, हैंड पंप वाटर को शक करेगा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो डिस्चार्ज आपको इतना नहीं देगा, लेकिन अगर आपने पंप लगा रखा, समरसिबल पंप लगा, समरसिबल लगा रखा है तो ज्यादा डिस्चार्ज भी देगा। क्यों भाई, क्योंकि वो सेंट्रीफ्यूगल पंप है, बस आपने क्या करा है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को सीरीज में लगा के उसको सबमर्ज कर दिया है, इसलिए डिस्चार्ज तो वो ज्यादा देता ही है क्योंकि वो इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप, प्लस उसके अलावा वो हेड भी आपको नीचे से खींच के पानी को दे रहा है। सो इट इज नॉट अ रेसिप्रोकेटिंग पंप, इट इज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप। बट हमने क्या किया, उन सेंट्रीफ्यूगल पंप को कंसेप्ट हमने बोला, भैया देखो ये नीचे से खींच नहीं सकता, लेकिन पंप तो नीचे जा सकता है ना, पंप जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है वो नीचे से वाटर को खींच नहीं सकता, वो केवल हायर हाइट तक वाटर को पहुंचा सकता है, लेकिन पंप को तो हम नीचे भेज सकते हैं, तो हमने यहां पर पंप को नीचे भेजा। अब देखिए कितने टाइप के यहां पर अपने पास सेंट्रीफ्यूगल पंप होते हैं। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है, ये इंपीलर होता है, जो कि ब्लेड्स हैं उन रोटेटिंग ब्लेड को इंपीलर कहते हैं, ये हमारी ड्राइविंग शाफ्ट है जो इसको रोटेट करती है, ये इसकी आई है जहां पर वाटर सप्लाई किया जाएगा, और ये केसिंग है जिसको वोल्यूड केसिंग कहते हैं, ठीक है, इसको कहते हैं वोल्यूड केसिंग। अब ये वोल्यूड केसिंग क्या होती है वो सारी कहानी मैं डिजाइनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझाता हूँ। तो पंप के जो सेंट्रीफ्यूगल पंप है इसके 4 कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, एक होता है इम्पीलर जो कि ब्लेड्स रोटेट करेगी, एक होता है केसिंग जो इसके आसपास जिसमें पंप रखा हुआ है, सक्शन पाइप जहां जिस पाइप से ये वाटर को खींचेगा, और एक होता है डिलीवरी पाइप जिस पाइप से ये वाटर को सप्लाई करेगा। तो ये सक्शन पाइप हो गया, ये डिलीवरी पाइप हो गया, ठीक है, ये कहानी है पंप की। अब कुछ कहानी है कि भाई वोल्यूट केसिंग क्या होती है, केसिंग क्या होती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं टाइप ऑफ इम्पीलर, जो इम्पीलर मतलब जहां पर ब्लेड जिस जगह रखी हुई है उसके टाइप। तो बेसिकली यहां पर 3 टाइप के इम्पीलर होते हैं, क्लोज और श्राउडेड इम्पीलर। श्राउडेड का मतलब होता है केसिंग को कहते हैं श्राउडेड इम्पीलर, सेमी ओपन और सेमी इम्पीलर। सो वेन्स आर प्रोवाइडेड विद मेटल कवर प्लेट और शाउड ऑन बोथ साइड, दिस प्लेट और शाउड आर नोन एज क्रॉस प्लेट और लोअर बेस प्लेट।
अभी आपको समझ में आ जाएगा तीनों। देखो ये तीन पंप है, ये तीन पंप है, अभी तीनों में क्या डिफरेंस दिख रहा है तुमको? इन तीन पंप में ये ओपन इंपीलर पंप है, ये सेमी इंपीलर, ये क्लोज इंपीलर पंप है, ठीक है। यहां पर ये जो प्लेट लगी हुई है इसी को श्राउड कहते हैं, यहां पर लिखा हुआ है ना मेटल कवर प्लेट और श्राउड, मतलब ये जो कवर प्लेट है ना, ये जो कवर प्लेट लगी होती है इसको श्राउड कहते हैं। तो ओपन इंपीलर में दोनों तरफ कोई कवर प्लेट नहीं लगी हुई, लेकिन सेमी इंपीलर में एक तरफ कवर प्लेट लगी हुई है, और क्लोज में तो दोनों तरफ कवर प्लेट लगी हुई है, ठीक है। तो तीन तरह के यहां पर डिफरेंस हो सकते हैं, एक तो था क्लोज और श्राउडेड इंपीलर, ये वाला दोनों तरफ आपकी प्लेट्स लगी हुई है, श्राउडेड इंपीलर। दूसरा होता है सेमी ओपन, ये हो गया सेमी ओपन, और ये होता है ओपन। अब इनसे फर्क क्या पड़ता है? इनसे फर्क ये पड़ता है कि जो श्राउडेड इंपीलर है दोनों तरफ से क्लोज है, वो केवल प्योर लिक्विड को ही पंप कर सकता है। अगर इसके अंदर डिब्रीज वगैरह आ जाएगी, मिट्टी के कण आ गए, या फिर आपके कोई पार्टिकल आ गए, बड़े बड़े कंकड़ पत्थर आ गए, तो ये उसको पंप नहीं कर सकता। इससे क्या होगा, बेसिकली यहां पर केसिंग क्लोज है तो उसकी वजह से ये पंप नहीं कर सकता। तो सारे के सारे जो ब्लेड का पोर्शन है वो फ्लूड के कांटेक्ट में आना है, तो वो जो कंकड़ पत्थर है वो यहाँ फंस जाएंगे, ठीक है, इसकी जो क्लियरेंस है वहां फंस जाएंगे और ब्लेड्स को काफी हार्म पहुंचाते हैं। लेकिन अगर हम सेमी इंपीरियर की बात करें तो ये उनके लिए बेसिकली सूटेबल होता है जिनमें डिब्रीज होती हैं, जिनमें धूल मिट्टी, जिनमें आपके कंकड़ पत्थर ज़्यादा होंगे या मोटी मोटी डिब्रीज अगर पाई जा रही है तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर जो ये पंप ब्लेड है वो 50% कॉन्टैक्ट में आएगी और बाकी कॉन्टैक्ट में नहीं आएगी, ठीक है। फिर होता है आपका ओपन इंपीलर, तो ओपन इंपीलर में तो दोनों तरफ से खुला हुआ है, तो इसको यूज किया जाता है जहां पर हमें सॉलिड मटेरियल, जैसे सस्पेंडेड सॉलिड मटेरियल है, पल्प पेपर है, सीवरेज का वाटर है, सैंड ग्रिड है, कंक्रीट है, इस सबको पंप करके अगर आपको भेजना है तो उसके लिए ओपन इंपीलर यूज किया जाता है। इस ओपन इंपीलर की ब्लेड्स बेसिकली जो फ्लूड है उसके कॉन्टेक्ट में नहीं आएगी। बेसिकली मैं आप इन दोनों तीनों को बताता हूं, इन तीनों का डिफरेंस तो मैं समझाता हूं। जब हम किसी चीज को साइंटिफिकल एक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं ना, तो जरूरी नहीं है कि वो फ्लूड जो है इसके कांटेक्ट में आए। यहां पर क्या होता है, ओपन ओपन इंपीलर के अंदर फ्लूड इसके कांटेक्ट में आए बिना ही यहां से बेसिकली ये साइंटिफिकल एक्शन इसको घुमाता रहता है और फ्लूड इसके कॉन्टेक्ट में आए बिना साइंटिफिकल एक्शन की वजह से बाहर निकल जाता है, ठीक है। जैसे कि मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूं तुमको, छोटा सा एग्जाम्पल अपन लोग डिस्कस करते हैं। मान लीजिए एक गिलास में आप चम्मच से पानी को हिला रहे हो या रोटर से आप पानी को हिला रहे हो, ठीक है, और फ्लूड यहां पर कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रहा है। तो एक बार बताओ यार, फ्लूड में मुझे सेंट्रिफ्यूगल हेड प्रोवाइड करने के लिए क्या जरूरी है फ्लूड का रोटर में कांटेक्ट में आना? नहीं भाई, जो फ्लूड बेसिकली एक्सटर्नल इससे बाहर है, दूर तरफ है, उस पर भी तो सेंट्रिफ्यूगल एक्शन लगेगा बिकॉज ऑफ डायनेमिक एक्शन, क्योंकि जब ये रोटर मूव करेगा तो पूरे के पूरे फ्लूड को अपने साथ मूव कराएगा, और जब पूरे के पूरे फ्लूड को अपने साथ मूव कराएगा तो इट विल प्रोवाइड। जैसे कि अगर हमारे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कई बार आपने चक्रवाती तूफान देखे होंगे ना, या फिर अगर मान लो किसी चक्रवाती तूफान बन रहा है, तो यहां पर क्या होगा, अगर कोई चीज यहां सप्लाई यहां पर हो रही है तो बेसिकली ये भी घूमेगी और इस पर भी सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगेगा, और जस्ट ये इसके कॉन्टेक्ट में आते ही, रोटेशन के कॉन्टेक्ट में आते ही बाहर निकल जाएगी। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हम लोग सेंट्रिफ्यूगल पंप को रोटेट कर रहे हैं तो जरूर नहीं है कि फ्लूड इसके कांटेक्ट में आए, लेकिन अगर दोनों तरफ से क्लोज है तो फिर फ्लूड को पूरा का पूरा इस केसिंग से पास होकर बाहर निकलना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से ये केवल और केवल प्योर लिक्विड्स को ही सप्लाई कर सकता है। इस केस में आप डिब्रीज वाले लिक्विड को भी सप्लाई कर सकते हैं, और इस केस में तो आप किसी भी तरह का आरपीएम कितना होता है, इट्स डिपेंड ऑन योर एप्लीकेशन भाई, तुमको कितना हेड डेवलप करना है उस पर डिपेंड करेगा भाई। तुम जब डिजाइन करोगे तुमको कोई पंप तुम्हारी सूटेबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा, ठीक है, आपकी सूटेबिलिटी के हिसाब से डिपेंड करेगा भाई तुम्हें कितना हेड डेवलप करना है, क्योंकि यू नो दैट जेड इक्वल टू क्या होता है, जेड इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर आर टू स्क्वायर माइनस आर वन स्क्वायर बाई टू जी। तो जब तुम्हारी जेड की रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करेगा और तुम्हारे पंप की साइज पर डिपेंड करेगा कि तुम्हें कितना ओमेगा से रोटेट करना है,
ठीक है। तो जब तुम डिजाइन करोगे तो तुम्हारे हिसाब से, रिक्वायरमेंट के हिसाब से तुम डिजाइन करते हो, ठीक है। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। सो यहां तक तीनों चीजें आपको समझ में आई या नहीं आई? अरे ये पॉइंट समझ में आया तो क्लोज और इसमें कोई फर्क नहीं है बेसिकली। ये मेरे पास एक वीडियो भी था, आप एक बार एक यूट्यूब पे मतलब इतना बहुत बढ़िया सा एनिमेशन समझा रखा है इसका, व्हेन यू सी यू विल हैव नो प्रॉब्लम इन इट, है ना। सो एक बार जाना टाइप ऑफ इम्पीलर्स और उसमें देखना ओपन और सेमी सर्कुलर, तो उसमें एक बहुत आराम से उन्होंने एक वीडियो के थ्रू समझा रखा है, तो वो देख लेना। मैंने यहाँ पर मैं ऐड इसलिए नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि जैसे ही ऐड करता हूँ तो बफरिंग ज़्यादा होने पाती, बफरिंग ज़्यादा होने लग जाती है, तो उस वजह से मैं ऐड नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। सो दैट इज़ द रीज़न कि मैं ओपन बोर्ड यूज़ कर रहा हूँ तो इसमें वीडियो ऐड नहीं कर सकता हूँ, अदरवाइज आई विल ऐड इट। अब होता है साइंटिफिक टाइप ऑफ सेंट्रिफ्यूगल पंप अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ केसिंग। सो केसिंग यहां पर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब यहां पर तीन तरह की केसिंग होती है, ठीक है। पहली होती है वोल्यूट केसिंग, दूसरी होती है वोर्टेक्स केसिंग और तीसरी होती है डिफ्यूज रिंग केसिंग। अब ये तीनों केसिंग दैट्स डिसाइड एवरीथिंग, इस कंसेप्ट को समझना तुम, ठीक है। सबसे पहला ये जो चैम्बर होता है, ये वोल्यूट केसिंग में क्या होगा, ये इंपीलर ब्लेड्स है आपकी, वोल्यूट केसिंग में क्या होगा, ये आपके इंपीलर ब्लेड्स है। अब इंपीलर ब्लेड्स के थ्रू क्या होगा, वाटर यहां से बेसिकली आई से आप वाटर को सप्लाई करोगे और वाटर जो है इस इंपीलर ब्लेड के वजह से रोटेट होगा और फिर आप यहां पर वाटर को डिस्चार्ज करो, ऑब्वियसली वाटर वाटर बाहर निकलेगा। तो जब वाटर बाहर निकलेगा तो उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी ना, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी तो होगी। वाटर जब यहां से बाहर निकलेगा, बिकॉज आप किसी चीज को रोटेट करके अगर बाहर निकालोगे तो इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, यस नो, यस नो। क्योंकि भैया आपने किसी को चीज को रोटेट किया और रोटेट करके जब ये बाहर निकलेगा बिकॉज ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सो इट विल हैव सम काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। सो बेसिकली अब इस काइनेटिक एनर्जी को आपको किस में कन्वर्ट करना है, इसको आपको प्रेशर एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। तो ये जो आपका वोर्टेक्स केसिंग होता है, इसका जो सेक्शन है वो आप देख सकते हो डाइवर्जिंग टाइप ऑफ सेक्शन, तो ये बेसिकली ऐसे डिफ्यूजर काम करता है। तो जब वाटर यहां पर हाई काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलता है तो इस काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। क्योंकि अगर यहां पर आप जैसे मान लीजिए आप पंप लगा रहे हो, इफ यू आर सप्लाइंग अ पंप, पंप ने वाटर सप्लाई किया एंड इट हैज सम डिस्चार्ज वेलोसिटी आल्सो, किसी वेलोसिटी से ये वाटर को सप्लाई कर रहा है, तो आपका काम, पंप का काम बेसिकली काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं करना था वाटर का, पंप का काम क्या था, पंप का काम था केवल वाटर को यहां से उठाना और हाई हाइट तक भेजना। तो अगर ये काइनेटिक एनर्जी, हाई काइनेटिक एनर्जी से बाहर निकलेगा तो वो आपके लिए क्या है, बेसिकली लॉस है, दिस इज द लॉस इन पावर। बिकॉज अगर ये काइनेटिक एनर्जी नहीं होती तो आप थोड़ा और ऊपर हाइट तक वाटर को भेज सकते थे, इज दैट क्लियर, या फिर आप कम पावर यूज करके भी वो वाटर को इस लेवल तक पहुंचा सकते थे। तो बेसिकली होता क्या है कि जिस डिस्चार्ज वेलोसिटी से वाटर बाहर निकल रहा है वो डिस्चार्ज वेलोसिटी आपके किसी काम की नहीं है, क्योंकि डिस्चार्ज वेलोसिटी से वाटर निकलना वो आपका रिक्वायरमेंट नहीं है। आपका रिक्वायरमेंट क्या है, आपका रिक्वायरमेंट है यू वांट टू इंक्रीज द हेड, आप हेड इंक्रीज करना चाहते हो। तो अगर आपका एग्जिट पर वाटर किसी वेलोसिटी से बाहर निकलता है तो वो आपके लिए लॉस होता है। अब क्या होता है, इन केस ऑफ वोल्यूट केसिंग आपने इसको इसलिए ऐसा बना रखा है कि वाटर का जो काइनेटिक एनर्जी है, जब वाटर यहां से बाहर निकलेगा इंपीलियर ब्लेड से, सो दैट काइनेटिक एनर्जी मस्ट कन्वर्ट इनटू द प्रेशर एनर्जी, अंडरस्टैंड। इसलिए आपने ये जो वोल्यूट केसिंग है वो इसको डाइवर्जिंग टाइप ऑफ बनाते हैं। तो जब इस डाइवर्जिंग प्रोसेस को आप बना रहे हो तो यहां पर होगा क्या कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो बेसिकली आपकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। उसी को तो करने के लिए हम लोग वेलोसिटी हेड को पोटेंशियल हेड में कन्वर्ट करने के लिए ही ये डाइवर्जन, देखो पहले वो वेलोसिटी हेड प्रेशर में कन्वर्ट होगा एंड देन प्रेशर विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल हेड।
भाई जब भी यहाँ ओपन कोई चीज होती है और यहां पर प्रेशर लग रहा है, तो ऑब्वियसली वाटर वाटर का लेवल राइज हो जाता है ना यार। आप कोई भी ओपन चीज है, कोई भी ओपन वाटर कंटेनर है, ठीक है, ओपन चीज है, अब यहां पर अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली बात है वो प्रेशर ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू हेड ऑफ द वाटर। सो यहां पर अगर आपका प्रेशर बढ़ेगा तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं कि जब यहां से वाटर निकल रहा है किसी वेलोसिटी से, तो हम जो केसिंग लगा रहे हैं वो केसिंग क्या कर रही है, वो केसिंग वाटर की काइनेटिक एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर दे रही है, प्रेशर हेड में। वो जो प्रेशर हेड होगा वो ऑटोमेटिकली यहां पर जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सो वोल्यूट केसिंग क्या करती है, वोल्यूट केसिंग बेसिकली इस काइनेटिक एनर्जी हेड को प्रेशर हेड में कन्वर्ट करती है, प्रेशर हेड अल्टीमेटली कन्वर्ट इनटू द वेलोसिटी पोटेंशियल हेड, ठीक है। इसलिए इस केसिंग को आप डाइवर्जिंग टाइप ऑफ बनाते हो, लेकिन उसके बाद भी कम से कम नहीं तो 20-30% एनर्जी जो है आपकी वो एग्जिट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाती है, वो इस एग्जिट काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो जाती है, ये वोल्यूट केसिंग लगाने के बावजूद। ये वोल्यूट केसिंग हमने लगाई और ये वोल्यूट केसिंग का काम क्या है, जो वाटर बाहर निकल रहा है इंपीलर ब्लेड से विद हाई काइनेटिक एनर्जी, उस काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना, एंड दैट प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट इनटू द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द वाटर। बट उसके बाद भी 20-30% एनर्जी ऐसी होती है जो कि इस काइनेटिक एनर्जी में लॉस हो रही है। तो अब इस लॉस को खत्म करना है, इस लॉस को प्रिवेंट करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक वर्टेक्स केसिंग का कंसेप्ट लेके आते हैं। वर्टेक्स केसिंग, अब ये वर्टेक्स केसिंग क्या होती है, लेट्स सी व्हाट इज द वर्टेक्स केसिंग। अरे यहां तक समझ में आई या नहीं आई तुमको पॉइंट? अब वर्टेक्स केसिंग क्या होती है उसके बाद सुनो, वर्टेक्स केसिंग होती है कि भैया देखो ऐसा है कि जब यहां से इंपीलर से बाहर निकले पानी, तो यहां पर एक वर्टेक्स चेंबर प्रोवाइड को, वर्टेक्स चेंबर नहीं होता, सिंपल सा एक ऐसा जैसे वर्लपूल में कोई चीज रोटेट करे सिंपलरी, तो बेसिकली यहां पर एक वर्टेक्स चेंबर प्रोवाइड किया जाता है। वर्टेक्स चेंबर वो चेंबर होता है जहां पर पानी निकलने के बाद, इंपीलर ब्लेड से निकलने के बाद पहले इसके अंदर रोटेट करेगा और फिर उसके बाद वोल्यूट केसिंग से बाहर निकलेगा। यहां पर वोल्यूट केसिंग इसके बाद लगाई जाती है, तो पहले पानी वर्टेक्स चेंबर में रोटेट होगा, यहां गोल गोल घूमेगा और उसके बाद वोल्यूट केसिंग पे बाहर निकलेगा, ठीक है। तो ये जो वर्टेक्स चेंबर तुमने लगाया ये कुछ नहीं होता, इसके अंदर मतलब एक ऐसा चेंबर होता है जैसे वॉशिंग मशीन में पानी घूम रहा है वैसे घूम रहा है, ठीक है, चेंबर के अंदर ऐसे पानी घूम रहा है, वाटर ऐसे रोटेट हो रहा है। तो वर्टेक्स चेंबर क्या होता है, वर्टेक्स चेंबर क्या होगा, पहले इंपीलर ब्लेड से पानी निकलेगा और वर्टेक्स चेंबर घूमेगा और उस घूमने के बाद कहां जाएगा, उस घूमने के बाद वर्टेक्स केसिंग वोल्यूट केसिंग में जाएगा, वोल्यूट केसिंग इसके बाद लगी होती। अब कंसेप्ट क्या है, कंसेप्ट यह है कि जब इंपीलर से वाटर निकल गया, सुनना बात को ढंग से सुनना बात, कंसेप्ट यह है कि जब इंपीलर से पानी बाहर निकल चुका है और जब ये वर्टेक्स चेंबर के अंदर रोटेट कर रहा है, तब यहां पर कौन सा मोशन हो रहा है, यहां पर फ्री वर्टेक्स मोशन हो रहा है, क्योंकि फ्री वर्टेक्स मोशन क्या होता है, वाटर रोटेट इन द कर्व पाथ बाय मोशन गिविंग इट टू अर्लियर, ये मैंने फ्री वर्टेक्स का आपको डेफिनेशन लिखा है। तो यहां पर हो क्या रहा है कि जब वाटर इंपीलर ब्लेड से बाहर आ चुका है, तो अब यहां जो वाटर रोटेट कर रहा है उसको हम कोई एनर्जी बाहर से सप्लाई नहीं कर रहे, ये पहले जो मोशन दिया गया था उसकी वजह से ये रोटेट कर रहा है। तो इन केस ऑफ ये वर्टेक्स चेंबर के अंदर जो वाटर रोटेट करेगा वो कैसा मोशन कर रहा है, फ्री वर्टेक्स। अब सुनना कंसेप्ट, फ्री वर्टेक्स क्या होता है, फ्री वर्टेक्स के रिलेशन होता है वेलोसिटी एंड रेडियस इक्वल टू क्या होता है, कॉन्स्टेंट फॉर फ्री वर्टेक्स। अब इस केस में अगर वर्टेक्स चेंबर में वर्टेक्स चेंबर में अगर वाटर मूव कर रहा है तो फ्री वर्टेक्स होता है, तो जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा वेलोसिटी कम होगी नहीं होगी, इसका मतलब जैसे जैसे हम और दूर जाएंगे वर्टेक्स चेंबर में, जैसे जैसे पानी आगे जाएगा वेलोसिटी कम होगी,
अब वर्टेक्स चेंबर के अंदर जब फ्री वर्टेक्स मोशन होता है तो कौन सी इक्वेशन लगती है? बर्नौली इक्वेशन लगती है। फ्री वर्टेक्स इक्वेशन में कौन सी इक्वेशन लगती है? बर्नौली इक्वेशन लगती है। तो इसका मतलब जैसे जैसे वर्टेक्स चेंबर में पानी घूमता जाएगा वेलोसिटी और आगे बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी, वेलोसिटी कम होगी तो प्रेशर राइज होगा। तो हो गया ना भैया काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट इंटू प्रेशर एनर्जी। तो अब यहां पर क्या हो रहा है कि जैसे जैसे वर्टेक्स चेंबर में पानी आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे ही उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है और प्रेशर बढ़ता जा रहा है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली जब वाटर यहां से बाहर निकलेगा तो इट विल हैव अ लो वेलोसिटी एंड हाई प्रेशर। और फिर जो बचा कुछ वेलोसिटी है जब वो वर्टेक्स चेंबर वॉल्यूट केसिंग में जाएगा तो वो बची कुछ वेलोसिटी भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। बात कंसेप्ट समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? कंसेप्ट समझे या नहीं समझे? देखो वापिस समझाता हूं। वर्टेक्स चेंबर क्या होता है? वर्टेक्स चेंबर कुछ नहीं होता, एक सिंपल सा चेंबर है जिसमें पानी घूम के जाएगा वॉल्यूट केसिंग के अंदर। कौन सी वॉल्यूट केसिंग के अंदर? ठीक है, अब मैंने आपको क्या बताया कि वॉल्यूट केसिंग का काम क्या है? काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। लेकिन उसके बाद भी काफी सारे लॉसेस हमें हो रहे हैं क्योंकि सारी काइनेटिक एनर्जी को ये प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट नहीं कर पा रहा। ये हमारा कंसेप्ट था। अब हमने क्या किया, एक चेंबर लगा दिया, इंपीलर ब्लेड्स और वॉल्यूट केसिंग के बीच में एक चेंबर लगा दिया जहां पर पानी पहले घूमेगा और उसके बाद वॉल्यूट केसिंग में जाएगा। अब जब वो चेंबर लगाया उसको हमने वर्टेक्स चेंबर कहा। अब उस चेंबर में क्या होता है, पानी घूमता है। सो माय डियर फ्रेंड, जब वो घूमेगा पानी तो होगा क्या, यहां पर फ्री वर्टेक्स मोशन हो रहा है क्योंकि इसमें जो पानी घूम रहा है उसको तुम एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि ये पहले पानी निकल चुका है, इंपीलर ब्लेड से निकल चुका है, पानी अपने आप ही घूम रहा है वहां पर क्योंकि मोशन आपने पहले दिया था, इसको रोटेट आपने पहले किया था, उसकी वजह से घूम रहा है। उसके अंदर तुम चैम्बर में कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे। अब वर्टेक्स चैम्बर में क्या हो रहा है, इसका मतलब फ्री वर्टेक्स मोशन हो रहा है। कौन सा मोशन हो रहा है? फ्री वर्टेक्स मोशन। अब फ्री वर्टेक्स मोशन का कंडीशन होता है वेलोसिटी इनटू रेडियस इक्वल टू कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये होगा कि जब वर्टेक्स चेंबर में पानी घूमता घूमता बाहर निकलेगा उसकी रेडियस बढ़ेगी वैसे वैसे उसकी वेलोसिटी कम होती चली जाएगी। जैसे जैसे बाहर जाएगा तो रेडियस बढ़ेगी, रेडियस बढ़ेगी तो वेलोसिटी कम होगी। जहां पर भी फ्री वर्टेक्स होता है वहां पर बर्नौली इक्वेशन अप्लाई होती है। किसका मतलब? टोटल एनर्जी कांस्टेंट होगी बिकॉज वी आर नॉट सप्लाइंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी। तो जब वेलोसिटी कम होगी इसका मतलब प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। तो वर्टेक्स केसिंग में जैसे जैसे पानी घूमता है और बाहर जाता है वैसे वैसे उसका प्रेशर राइज होता है और काइनेटिक एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती जाती है? प्रेशर एनर्जी में। तो अल्टीमेटली जब वो बाहर निकलता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी का काफी सारा पोर्शन ऑलरेडी प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी बचती है वो कम बचती है, तो उस काइनेटिक एनर्जी को हम लोग फिर वॉल्यूट केसिंग के अंदर वापिस से प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट कर लेते हैं। एंड फाइनली वी विल गेट अ हायर हेड एंड वेरी लो डिस्चार्ज वेलोसिटी, जिसकी वजह से जो हमारे एग्जिट पर लॉसेस हो रहे थे वो घट के केवल और केवल 2-3% रह जाते हैं। दिस कंसेप्ट इज नोन एज वर्टेक्स केसिंग। देखो बेटा, ये मैं आपको एक चीज बताता हूं, अपन जब भी कोई पंप डिजाइन करते हैं तो सब पंप की अपनी अपनी कंडीशंस होती है, बड़ा पंप छोटा पंप कितना होता होगा ये अपन बता, क्योंकि हर हजारों टाइप के पंप आते हैं, है ना, रेंज बहुत बड़ा है, ऐसा कोई रेंज नहीं है कि भाई इतना होता होगा, तो एग्जैक्टली अपन वैल्यू नहीं ले सकते इसके अंदर, ठीक है, बिकॉज रेंज बहुत बड़ा है, हजार टाइप के पंप है, हजार टाइप की कंडीशंस है। यहां तक क्लियर है सभी को? इज दैट क्लियर और नॉट? सो इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल कंसेप्ट, इट्स वेरी ब्यूटीफुल, और अनफॉर्चुनेटली बहुत कम बुक्स में इसको समझाया गया है। अनफॉर्चुनेटली आई थिंक बहुत कम बुक है जिसमें अंदर इसको समझाया गया, सबने बस दे देते हैं वर्टेक्स चेंबर। तो ये जो वर्टेक्स केसिंग होती है वर्टेक्स विद वॉल्यूट केसिंग होती है। अरे यहां तक समझ में आया बेटा सभी लोगों को? यस और नो बताओ पहले मुझे। स्वरूप, देखो वेलोसिटी कम क्यों हो रहा है? भाई वेलोसिटी कम इसलिए हो रहा है, भाई अगर आपने फ्री वर्टेक्स मोशन का कंसेप्ट पढ़ा हो तो फ्री वर्टेक्स मोशन में क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर मोमेंटम,
और एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एम वी आर। इन केस ऑफ फ्री वर्टेक्स मोशन यू आर नॉट अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल टॉर्क, सो डी अपॉन डी आर एम वी आर इक्वल टू जीरो। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो ये डिफरेंशिएशन हट जाएगा, तो यहां कांस्टेंट बनेगा और एम वी आर, तो यहां से मास अगर कांस्टेंट माने तो एम वी आर इक्वल टू क्या है भाई, कांस्टेंट है, वी आर इक्वल टू कांस्टेंट है, यहां से आता है ये कंडीशन। तो ये रिलेशन आपको क्या बता रहा है, अगर टॉर्क आप सप्लाई नहीं कर रहे हो एक्सटर्नली, इसका मतलब ये होगा कि वेन यू आर इंक्रीजिंग द रेडियस वेलोसिटी मस्ट बी डिक्रीजेस। इसका मतलब यही होगा। तो ये होता है हमारे पास वर्टेक्स केसिंग। उसके बाद आता है वोल्यूट के या डिफ्यूज रिंग केसिंग। अब डिफ्यूज रिंग केसिंग में क्या होता है, ये अलग कहानी है। ये तो वोल्यूट केसिंग तक था कहानी। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि एक काम करते हैं यार, हम लोग क्या काम करते हैं वो देखो। प्रॉब्लम यही है ना कि जो इंपेलर ब्लेड से फ्लूइड निकल रहा है उसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है, उस काइनेटिक एनर्जी को हमें किसमें कन्वर्ट करना है, प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करते हैं, यहां पर एक डिफ्यूज रिंग लगाते हैं। हम बोलते हैं कि यार हमने फ्लूइड मैकेनिक्स में एक डिफ्यूजर नाम का चीज सुनी है। डिफ्यूजर तो काम ही यही करता है कि वेलोसिटी को बेसिकली वो प्रेशर में कन्वर्ट करता है। नोजल और डिफ्यूजर दो चीज हमने सुनी है, नहीं सुनी, सुनी है भाई। तो डिफ्यूजर का काम क्या होता है, डिफ्यूजर का काम होता है काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो एक काम करते हैं, यहां पर हम ऐसे पासेस बनाते हैं जिनका That is known as diffuser pass, जिनका सेक्शन जो है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, इन पासेस को बोलते हैं डिफ्यूजर पासेस। और ऐसी पूरी की पूरी रिंग जो है हम लोग इंपीलर ब्लेड्स के आउटलेट पर लगा देंगे। अब क्या होगा कि जब फ्लूड रोटेट होके इन पासेस से पास होगा तो होता क्या है, सब लोग जानते हैं क्या जानते हैं, नोजल। तो ये क्या है, डिफ्यूजर है। और डिफ्यूजर का जब एरिया धीरे धीरे बढ़ता है तो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी कम होता है और प्रेशर इंक्रीज होता है। क्यों भाई साहब, क्योंकि एरिया इनटू वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, तो जब एरिया बढ़ेगा तो वेलोसिटी कम होगी। और फ्रॉम द बर्नौली इक्वेशन, क्योंकि हम यहां पर कोई एनर्जी सप्लाई नहीं कर रहे हैं, तो अगर बर्नौली इक्वेशन लगाए तो जहां पर वेलोसिटी कम होती है वहां पर प्रेशर इंक्रीज होगा। तो डिफ्यूजर रिंग इज नथिंग बट यहां पर क्या करते हैं, इस तरह के डिफ्यूजन ब्लेड्स लगाते हैं जिनका क्रॉस सेक्शन एरिया धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, जिसकी वजह से जब फ्लूइड इन रिंग्स के थ्रू, इन डिफ्यूजर पासेस के थ्रू इंक्रीज होता है, पास होता है, तो वेलोसिटी उसकी कम होती है क्योंकि एरिया बढ़ रहा है और प्रेशर उसका बढ़ जाता है, बिकॉज डिफ्यूजर का काम ही यही होता है। Because diffuser का काम ही होता है। तो डिफ्यूज रिंग केसिंग का मतलब समझ में आ गया आपको। सो इट विल इंक्रीज द प्रेशर विद द हेल्प ऑफ डिफ्यूजर एक्शन। तो तीन तरह की केसिंग यहां पर जनरली यूज की जाती है। तो उन तीनों का मैंने यहां पर थ्योरी भी आपको लिख रखा है। क्लियर है यहां तक तीनों का? अब थ्योरी यहां पर आप देख सकते हो, जैसा कि मैंने आपको बताया था, केसिंग विथ स्पाइरल शेप सो दैट वेलोसिटी थ्रू आउट पेरिफेरी विल बी कांस्टेंट इन केसिंग एंड देयर इज ओनली स्लाइट इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ द पंप बिकॉज इट्स रिड्यूस द लॉस इन द, बट बाहर काइनेटिक एनर्जी अभी भी लॉस हो रही है। वोल्यूट पंप विद अ वोर्टेक्स, जे थॉमसन मॉडिफाई वोल्यूट पंप बाय प्रोवाइडिंग अ वोर्टेक्स चेंबर इन बिटवीन इंपीलर ब्लेड्स वोल्यूट और स्पाइरल केसिंग। व्हेन फ्लूइड रोटेट इन द वोल्यूट चेंबर दिस रोटेशन बिकम फ्री वोर्टेक्स मोशन, सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। सो एज रेडियस इंक्रीज इन द वोर्टेक्स चेंबर वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड कन्वर्ट इन टू द प्रेशर एंड वोल्यूट चेंबर वोर्टेक्स चेंबर serves as a dual purpose of reducing velocity and increase the efficiency of the pump by converting a large amount of kinetic energy into pressure energy.
नेक्स्ट आता है डिफ्यूज और टर्बाइन पंप जिसको हमने बोला। द इंपीलर इज सराउंडेड बाय द सीरीज ऑफ गाइड वेन्स माउंटेड ऑन द रिंग कॉल्ड डिफ्यूजर रिंग। द डिफ्यूजर रिंग एंड गाइड वेन आर फिक्स्ड इन पोजीशन एंड दे विल इंक्रीज द वेलोसिटी इनटू द प्रेशर एनर्जी। ठीक है, सो दिस इज द साइंटिफिक पंप। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट। यहां तक अभी आपको क्लियर हुआ चीजें? ठीक है, चलो विल मूव टू द सम ओके। सो वी विल मूव टू दैट वेलोसिटी ट्रायंगल। यहां तक क्लियर है? अब हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बनाएंगे फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। सबसे पहले हम लोग वेलोसिटी ट्रायंगल बनाने से पहले कुछ अजम्पशंस लिख लेंगे जो कि यहां पर हैं ऑलरेडी। ठीक है, ओके, सो लेट्स ड्रॉ द वेलोसिटी ट्रायंगल फॉर द सेंट्रीफ्यूगल पंप। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप वी ऑलवेज यूज अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड। वी ऑलवेज यूज अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स। अब बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स किस तरह से दिखाई देती है? इस तरह से दिखाई देती है। रोटेशन ऐसे होगा और ये इसका बैक दिखाएगा। इसके बारे में हम बात करेंगे कि डिफरेंस क्या क्या होता है बैकवर्ड कर्व ब्लेड फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स के बीच में डिफरेंस क्या होता है। अभी के लिए इतना ही काफी है कि वेन एवर वी यूज अ सेंट्रीफ्यूगल पंप वी यूज अ बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स। उसके अपने एडवांटेज है, फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स के अपने डिसएडवांटेज है। वी यूज दिस, सपोज वी आर मेकिंग अ इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल। सो इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप, सो वेलोसिटी एट इनलेट सपोज इस डायरेक्शन में आपका फ्लूइड आ रहा है और जिस डायरेक्शन में फ्लूइड आके ब्लेड से टकराएगा दिस विल बी द V1 वेलोसिटी। आपका ब्लेड ऐसे मूव कर रहा है तो उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में उस ब्लेड की वेलोसिटी क्या होगी? ये होगी। और ये एक और ओके, सो V1 वेलोसिटी से जेट आके टकरा रहा है, U1 वेलोसिटी से आपका पंप रोटेट कर रहा है और रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ब्लेड प्रोफाइल के टेंजेंट होती है। रिलेटिव वेलोसिटी ब्लेड प्रोफाइल के टेंजेंट होती है। तो इसके अंदर V1 वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो U1 की डायरेक्शन में जीरो है, इसका मतलब इसके अंदर V1 इक्वल टू क्या होता है, VW1 इक्वल टू क्या होगा, जीरो होगा। और यहां पर जो ब्लेड वेलोसिटी से α1 एंगल बनता है वो α1 एंगल क्या होगा यहां पर 90 डिग्री, और ये आपका β1 एंगल है जो कि वैल्यू है, दैट इज कॉल्ड ब्लेड एंगल। ओके, अब यहां पर फ्लूइड इस ब्लेड पर मूव करता है एंड व्हेन इट मूव तो इससे यहां से बाहर निकलेगा। किस वेलोसिटी से बाहर निकलेगा? इट विल गोज आउट विद द रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी हमेशा ब्लेड प्रोफाइल के टेंजेंट होती है, तो VR2 इज अ टेंजेंट टू द ब्लेड प्रोफाइल। अब आपका जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, दिस इज द टेंजेंशियल वेलोसिटी। अब यहां पर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी होगी एट द एग्जिट ऑफ पंप वो हमेशा ज्यादा होगी, क्योंकि जैसे रोटेशन हो रहा है तो हमेशा R2 ज्यादा होगा, क्योंकि इनलेट जो है वो स्मॉलर रेडिएशन से हो रहा है, रेडियस से हो रहा है, और आउटलेट ज्यादा रेडियस से निकल रहा है। तो वेलोसिटी कितनी होती है? ओमेगा इनटू R। तो क्योंकि R2 इज ग्रेटर देन R1 तो इसीलिए U2 इज ग्रेटर देन U1, इसीलिए हमने U2 1 को छोटा बनाया, U2 को बड़ा बनाया।
दिस इज यू टू। अब इसको मिलाती भी अगर लाइन खींचोगे, अच्छा मैं ऐसा इसलिए बना रहा हूं क्योंकि ये सारा का सारा खेल एक्सियल डायरेक्शन में हो रहा है, ये सारा का सारा खेल इस परपेंडिकुलर इस प्लेन में नहीं हो रहा, इसके परपेंडिकुलर प्लेन में हो रहा है, इसलिए मैंने वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस प्रकार से बनाया आपका, बिकॉज ऑल द वेलोसिटी बेसिकली इन द परपेंडिकुलर, क्योंकि यहां पर जो इनलेट होता है वो एक्चुअली एक्चुअली इन होता है और रेडियली आउट होता है, इसका मतलब सामने से इनलेट होता है और एक्सियल मूव करता है, मतलब आपके ये जो प्लेन है इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में इस तरह से इनलेट हो रहा है और ऐसे मूव कर रहा है, सीलिंग के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो एक्चुअली इन होता है रेडियली आउट होता है इसके अंदर, इसी की वजह से मैंने आपको ये ट्राइंगल थोड़ा सा ऐसे टिल्ट करके बनाया हुआ है क्योंकि इस प्लेन में ट्राइंगल नहीं है। सो देसी यू टू हो जाएगा, ये आपका वी टू हो जाएगा, ठीक है, एंड यू टू इज ग्रेटर देन यू वन, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो वी टू के दो कंपोनेंट आते हैं, अपन क्या करेंगे यहां से, या तो एक लाइन ड्रॉ कर दो ब्लू कलर वाली। सो वी टू का जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं फ्लो कंपोनेंट, तो ये वी एफ टू हो गया। यू टू का, वी टू का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है इसको बोलते हैं वी डब्ल्यू टू, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, वी डब्ल्यू टू। क्लियर है यहां तक? अब वी टू से बनने वाला जो एंगल होता है इसको बोलते हैं हम अल्फा टू, और वी आर टू से बनने वाले एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, बीटा टू। ये हमारा डिनोशन है जो हम लोग लेके चले हैं थ्रू आउट अवर वेलोसिटी। और यू टू क्या है, यू टू यहां से लेके यहां तक की वेलोसिटी है, टोटल वेलोसिटी। दिस इज द आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल फॉर पंप, ये पंप का आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल आपने देखा, ये इनलेट वेलोसिटी है, ये आपका आउटलेट वेलोसिटी ट्राइंगल है। सो जैसा कि मैंने आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल बनाया तो उसी के बारे में यहां पर लिख रखा है, एट द एंट्रेंस टू द इंपीलर सिंस देयर इज नो गाइड वेन्स द डायरेक्शन ऑफ द एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट दिस पॉइंट ऑफ द इंपीलर इज नॉट डायरेक्शनली नोन, हाउएवर फॉर द बेस्ट एफिशिएंसी ऑफ द पंप इट इज कॉमनली अज्यूम दैट द लिक्विड एंटर द इंपीलर रेडियली, दस इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ लिक्विड एट द एंट्रेंस ऑफ टू द इंपीलर इज रेडियल इन डायरेक्शन, दस इज द अल्फा इक्वल टू 90 डिग्री एंड विल वी डब्ल्यू वन एट द इनलेट इज इक्वल टू जीरो। Further, it is ensured that desired that the liquid enter and leave the vein without shock. This can be ensured if the inlet and outlet tip of the vein are parallel to the direction of relative velocity at the tip. इसी वजह से हम ये अज्यूम करते हैं कि वी आर वन इक्वल टू वी आर टू होता है। अगर वी आर वन रिलेटिव वेलोसिटी डिफरेंट होता है तो फिर यहां पर शॉक क्रिएट होता है, उसकी वजह से लॉसेज बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो ये दो अजम्पशन है, एक तो वी डब्ल्यू वन को आपने जीरो माना है और आपने ओके सो सबसे पहले यू वन की अगर हम बात करें तो यू वन कितना होगा, पाई डी वन एन अपॉन 16 इस यू वन। यू टू कितना होगा यहां पर, पाई डी टू एन अपॉन 16। वी वन एब्सोल्यूट वेलोसिटी, वी वन वी टू इज एब्सोल्यूट वेलोसिटी एट इनलेट एंड आउटलेट, एट इनलेट एंड आउटलेट ओके अल्फा वन एब्सोल्यूट वेलोसिटी एंगल एट इनलेट, बीटा वन बीटा टू ब्लेड एंगल अल्फा टू ठीक है, वी डब्ल्यू वन एंड वी डब्ल्यू टू वॉल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वी एफ वन और वी एफ टू फ्लो कंपोनेंट। तो ये सारी कहानी है, ठीक है।
नाउ वी नो फ्रॉम द आयलर इक्वेशन द पावर डब्ल्यू इज इक्वल टू एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू माइनस वी डब्ल्यू वन यू वन. ओके, इन दिस केस वी आर अज्यूमिंग वी डब्ल्यू वन इज जीरो. सो पावर डेवलप इन केस ऑफ या पावर सप्लाई इन केस ऑफ सेंट्रीफ्यूगल पंप इज एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू. तो दिस इज द पावर सप्लाई इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप. डिस्चार्ज इन द सेंट्रीफ्यूगल पंप इज पाई डी वन बी वन वी एफ वन बिकॉज इनलेट इज रेडियल एंड आउटलेट इज ऑल्सो पी डी टू बी टू और वी एफ टू. सो दिस इज द डिस्चार्ज. ओके, नाउ वील मूव टू द थर्ड पॉइंट. ठीक है, वील मूव टू द थर्ड पॉइंट. थर्ड पॉइंट ये कि इफ यू राइट द जनरल इक्वेशन, आपको याद होगा मैंने पहले भी आपको इसका एक मॉडिफिकेशन लिखाया था एम डब्ल्यू टू यू टू वी डब्ल्यू वन यू वन का. तो इसका एक मॉडिफिकेशन फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि इसका मॉडिफाइड फॉर्मूला क्या होता है. एम डॉट इस केस में वी वन स्क्वायर माइनस वी टू स्क्वायर, सॉरी वी टू स्क्वायर अपॉन वी वन, क्योंकि यहां पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है. आउटलेट पर वेलोसिटी ज्यादा होगी क्योंकि यहां एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं, तो टर्बाइन का उल्टा होगा, जो भी टर्बाइन में किया था उस सभी का उल्टा होगा. प्लस यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बाई टू जी. सो इसको हम बोलते हैं इंपल्स कंपोनेंट और इसको हम लोग बोलते हैं रिएक्शन कंपोनेंट. याद होगा आपको कंपोनेंट टर्बाइन के अंदर इसी से हमने डिग्री ऑफ रिएक्शन निकाला था. यस ऑर नो? अब इसी फॉर्मूले को मैंने वहां पर ड्राइव नहीं किया था लेकिन मैं भी यहां पर ड्राइव कर लेता हूं क्योंकि यहां पर भी वही सेम चीज होगी. फिर हम लोग इसके अंदर जो टर्म्स को क्या कहते हैं पंप के अंदर इसी टर्म्स को क्या कहते हैं वो हम लोग डिफाइन करेंगे. ठीक है, सो फ्रॉम द इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल, इनलेट सॉरी एग्जिट वेलोसिटी ट्रायंगल क्या है तुम्हारे पास? ये आपका वी टू है, ये तुम्हारा वी आर टू है. इसको मिला दोगे तो क्या बन जाएगा? यू टू. इससे परपेंडिकुलर डालना है अपन को, ये आपका वी एफ टू हो जाएगा और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? ये है आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल. है नहीं है? दिस इज योर आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल. अब इस ट्रायंगल से कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं. ओके, कुछ चीजें हैं जो हम देख सकते हैं, क्या होगी वो देखें. वी आर टू स्क्वायर पाइथागोरस अगर प्रमेय लगाओ तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है. ट्रायंगल दिस, ये ट्रायंगल बन रहा है. मैं इसको पीले कलर से, ये पूरा ट्रायंगल बन रहा है और ये जो लेंथ होगी ये u2 टू माइनस वी डब्ल्यू टू होगी. सो पाइथागोरस प्रमेय से हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग लिख सकते हैं वी आर टू स्क्वायर वी एफ टू स्क्वायर प्लस यू टू माइनस वी डब्ल्यू टू का स्क्वायर. लिख सकते नहीं लिख सकते? ये देखो यहां ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल को लिया है मैंने, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये लिख सकते हैं, इसमें क्या दिक्कत है? अब इसी से, इसी फॉर्मूले में वी एफ टू स्क्वायर को आप लिख सकते हो. इसको इधर ले जाओ तो ये हो जाएगा वी आर टू स्क्वायर हेलो
VR2 square, और ये हो जाएगा हमारे पास, इसको इधर ले जाओ, U2 माइनस VW2 का स्क्वायर। अब देखो फ्रॉम द नेक्स्ट ट्राइंगल, ये वाले से, तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो, VF2 का स्क्वायर इक्वल टू V2 का स्क्वायर माइनस, ये तीसरा दूसरा ट्राइंगल आप देखो, दूसरा ट्राइंगल अगर आप देखोगे तो ये कहानी है। अब दूसरे ट्राइंगल में आप देखो, दूसरे ट्राइंगल में आप लिख सकते हो VF2 का स्क्वायर कैन ऑल्सो बी राइट एज फ्रॉम सेकेंड ट्राइंगल, चाहो तो आप नाम दे सकते थे, V2 का स्क्वायर माइनस VW2 का स्क्वायर, इज दैट क्लियर। तो अब अपन क्या करेंगे, इसकी जगह इसको रिप्लेस कर देंगे, इक्वेशन नंबर वन, इक्वेशन नंबर टू, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन टू टू इक्वेशन वन। अब इसकी वैल्यू रखेंगे तो V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास VR2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस VW2 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अपन को क्या करना है, अपन को इसको खोल देना है, V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर इक्वल टू VR2 स्क्वायर, ये आपका होल स्क्वायर है, इसको खोलोगे तो U स्क्वायर प्लस VW2 स्क्वायर, VW2 स्क्वायर माइनस 2 U2 VW2, ये हो जाएगा। अब माइनस साइन को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो V2 स्क्वायर माइनस VW2 स्क्वायर इज इक्वल टू VR2 स्क्वायर माइनस U2 माइनस VW2 स्क्वायर प्लस 2 U2 VW2, ठीक है। सो अब देखो क्या करेंगे हम लोग, ये V2 है, ये VW, ये कट जाएगा आपस में, देखो यहां से ये कट गया, यहां क्या बचा V2 स्क्वायर, यहां क्या बचा U2 स्क्वायर, ठीक, और क्या बचा माइनस का VR2 स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 U2 VW2। सो क्या मैं U2 VW2 को लिख सकता हूं 1/2 V2 स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर, लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं भाई, इसमें देख लो आप इसको, तो मैंने ट्राइंगल से ही केवल सॉल्व करके निकाल दिया कि U2 V2 को मैं ऐसे लिख सकता हूं। और अगर मैं U2 V2 को लिख सकता हूं तो मैं इनलेट वेलोसिटी ट्राइंगल अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूं, उसको भी ऐसे सेम सॉल्व करूंगा, ट्राइंगल बनाऊंगा, जनरली तो मैं ट्राइंगल ऐसे ही बनाता हूं। तो यहां पर U1 VW1 को भी मैं ऐसे लिख सकता हूं 1/2 V1 का स्क्वायर प्लस U1 का स्क्वायर माइनस VR1 का स्क्वायर, इज इट क्लियर। तो इन केस ऑफ आयलर इक्वेशन जो हमारे पास पावर होती है V dot VW2 U2 minus VW1 U1 जो हम लिख रहे हैं उसके अंदर, ये यहां पर m डॉट हो जाएगा VW2 को आपने वही ऐसे ही लिखा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा आपका हाफ, अगर आप दोनों को माइनस कर रहे हो तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, फिर यहां हो जाएगा आपका U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर, फिर यहां हो जाएगा आपका हाफ तो समीर रहेगा प्लस VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर, इसका मतलब जब हम सेंट्रिफ्यूगल पंप की बात करते हैं, हम देखो पावर, ये होगा पावर आउटपुट, तो m डॉट इसको ऐसे लिख दो V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस U2 स्क्वायर माइनस U1 स्क्वायर बाई 2 प्लस VR1 स्क्वायर माइनस VR2 स्क्वायर बाई 2, इज दैट क्लियर। तो इन केस ऑफ पंप व्हेन यू सप्लाई द पावर यू विल इंक्रीज द एब्सोल्यूट वेलोसिटी, यू आर गोइंग टू इंक्रीज द सेंट्रिफ्यूगल बेसिकली ब्लेड वेलोसिटी एंड यू आर इंक्रीजिंग द डिक्रीजिंग द रिलेटिव वेलोसिटी।
तो जब हम पावर सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, ओके, सिमिलरली अगर इसको हेड में कन्वर्ट करना है तो पावर को हेड में कन्वर्ट करने के लिए भाई पावर का फॉर्मूला एक और होता है, पावर इक्वल टू डब्ल्यू क्यू एच। तो अगर पावर को हेड में कन्वर्ट करना है तो स्पेसिफिक वेट डब्ल्यू इंटू जी इंटू क्यू से अपॉन कर दो, पावर हेड में कन्वर्ट हो जाती है। तो यहां पर अपने पास पावर है एम डॉट, ओके, वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू प्लस यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर बाई टू प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बाई टू। अब इसको अगर मुझे हेड में कन्वर्ट करना है तो अपॉन क्या कर दूंगा मैं, रो जी क्यू कर दूंगा। अच्छा, मास फ्लो रेट को भी आप क्या लिख सकते हो, मास फ्लो रेट को भी आप रो इंटू क्यू लिख सकते हो। अब यहां पर रो क्यू जी अपॉन करूंगा, रो क्यू से रो क्यू कट जाएगा। तो पूरी पावर इन टर्म्स ऑफ हेड, तो हेड कितना हम लोग डेवलप कर पा रहे हैं, हेड डेवलप दिस इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास हेड डेवलप इन केस ऑफ साइंटिफिकल पंप इज इक्वल टू हो जाएगा वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर बाई टू जी प्लस वी आर वन स्क्वायर माइनस वी आर टू स्क्वायर बाई टू जी। सो टोटल हेड डेवलप इन द साइंटिफिकल पंप इज इक्वल टू दिस। तो यहां पर जो फर्स्ट टर्म है वो बता रही है कि जब हम पंप को रोटेट कर रहे हैं तो पंप को रोटेट करने से वाटर की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, जिस वेलोसिटी से वाटर आ रहा है उससे ज्यादा वेलोसिटी से बाहर निकल रहा है, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल एक्शन के कारण हम लोग वाटर को थ्रो कर रहे हैं, बाहर फेंक रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो फर्स्ट टर्म वी टू स्क्वायर माइनस वी वन स्क्वायर बाई टू जी रिप्रेजेंट्स द इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी और डायनेमिक हेड, इसको कहते हैं डायनेमिक हेड, ठीक है, दैट इज कॉल्ड डायनेमिक हेड। सो किसी ने मुझे पूछा था रोटो डायनेमिक, किसी ने एक क्वेश्चन पूछा था रोटो डायनेमिक, तो रोटरी मोशन जो डायनेमिक हेड को इंक्रीज करता है दैट इज कॉल्ड एज रोटो डायनेमिक मोशन। सेकेंड टर्म यहां पर था यू टू स्क्वायर माइनस यू वन स्क्वायर बाई टू जी, ये किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये केवल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि वी आर इंक्रीजिंग द स्टैटिक प्रेशर विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल हेड। तो रिप्रेजेंट एन इंक्रीज इन स्टैटिक प्रेशर। और जो थर्ड टर्म है वो इस बात को शो कर रही है कि जो हमने ब्लेड पासेस बनाए होंगे वो डाइवर्जेंट टाइप के बनाए होंगे। सो थर्ड टर्म और उस डाइवर्जिंग टाइप की पासेस की वजह से जब फ्लूइड पासेस से मूव कर रहा है तो उसकी रिलेटिव वेलोसिटी चेंज हो रही है, ठीक है, और रिलेटिव वेलोसिटी घट रही है, इसका मतलब जैसे जैसे फ्लूइड आगे बढ़ता जा रहा है उसकी मूविंग वेलोसिटी रिलेटिव वेलोसिटी बेसिकली कम होती चली जा रही है। सो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमने ब्लेड के पासेस को डाइवर्जिंग टाइप बना रखा है। इंडिकेट्स द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रिटार्डेशन ऑफ फ्लो। Inside impeller blades,
तो ये पूरी कहानी होती है कि इन इन कंपोनेंट्स की वजह से बेसिकली टोटल पावर हमारा आउटपुट हमको मिल रहा है, या हमारा जो पंप वाला एक्शन है वो हमें यहाँ पर मिल रहा है। यहाँ तक किसी को दिक्कत यहाँ तक किसी को दिक्कत हो रही हो तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? यहाँ तक सभी समझ में आया आप लोगों को? चलिए अब बात करते हैं सेंट्रीफ्यूगल पंप की वर्किंग की। यहाँ तक आपने देख लिया है, अलग अलग हेड, अलग अलग कहानी, ठीक है। सो जस्ट सेकेंड, सो आपको डायग्राम में क्या दिख रहा है? डायग्राम में आपको यही दिख रहा है कि भाई ये हमारा पंप है और ये सम्प वाटर सम्प है, यहाँ से वाटर को निकाला जाता है और बेसिकली डिलीवर किया जाता है। तो बेसिकली पंप में कोई डिब्रीज ना जाए, कोई बेसिकली इम्प्योरिटीज ना जाए, प्योर वाटर सप्लाई हो, उसके लिए स्ट्रेनर लगाया जाता है। स्ट्रेनर का काम क्या होता है? स्ट्रेनर का एक छन्नी होती है, स्ट्रेनर कुछ नहीं होता, एक छन्नी होती है, वो बेसिकली इम्प्योरिटीज को रोक लेती है। पहले बेसिकली क्या करती है? इम्प्योरिटी को रोक लेती है। तो एक स्टेनर हम लोग यहां पर लगाते हैं टू भाई, ये बर्फिंग तो नहीं कर रहा है? ओके, सो माय डियर फ्रेंड, देखिए इसके अंदर यहां पर स्टेनर है, ये फुट वॉल्व है और ये बेसिकली आपका सक्शन पाइप लगा हुआ। ओके, तो स्टेनर का काम क्या होता है? स्टेनर का काम होता है इम्प्योरिटीज को रोकना, ठीक है। अभी मैं देखो थोड़ी देर कमेंट वगैरह नहीं लूंगा ना, क्योंकि हम लोगों को अभी इम्पोर्टेंट चीज़ें समझनी है। ऑलरेडी वी वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है। सो आई डोंट टेक कमेंट्स राइट नाउ, सो जो भी डाउट है बाद में पूछना मुझसे ना। सो देखिए स्टेनर का काम होता है हमारा इम्प्योरिटीज को रोकना। उसके अलावा यहाँ पर फुट वॉल्व लगा होता है। फुट वॉल होता है वन साइडेड वॉल होता है, मतलब यहाँ पर वाटर अगर एंटर करेगा तो ये खुल जाएगा, लेकिन दूसरी साइड ये ओपन नहीं होगा। इसका मतलब अगर आपने जैसे पंप को बंद कर दिया तो ये बेसिकली वापस से वाटर को यहाँ पर रोक लेगा। इससे हमको फायदा ये मिलता है कि हमें प्राइमिंग नहीं करनी पड़ती। आपने देखा होगा कई बार कि फुट वॉल खराब हो जाता है तो आपका जिस आप जब भी पंप स्टार्ट करते हो तो आपको ऊपर से खोल के पंप में पानी डालना पड़ता है, जिस एक्शन को हम कहते हैं प्राइमिंग। प्राइमिंग आपको सेंट्रीफ्यूगल पंप में इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल पंप ओवरऑली बेसिकली डायनेमिक एक्शन पर डिपेंड करता है। तो अगर यहां पर आपका एयर भरा हुआ है, सक्शन पाइप में एयर भरा हुआ है, पानी नहीं है, तो भैया वो सेंट्रीफ्यूगल हेड किसको इंपार्ट करेगा? किसी को इंपार्ट नहीं कर पाएगा। तो फिर यहां पर आपका सक्शन भी क्रिएट नहीं होगा। बिकॉज अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर आपने एयर को ऐसे घुमाया तो उससे कुछ भी यहां पर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि एयर में इतना प्रेशर डिफरेंस क्रिएट ही नहीं हो पाएगा कि वो वाटर को शक कर पाए। तो प्राइमिंग इसलिए जरूरी, वाटर भरना यहां पर जरूरी होता है, क्योंकि जब वाटर को घुमाओगे तभी यहां से सक्शन डेवलप होगा,
तभी आपका प्रेशर डिफरेंस क्रिएट होगा, तभी आपका हेड डेवलप होना स्टार्ट होगा। एयर घूमेगी तो एयर से कुछ नहीं होने वाला है। सो बेसिकली बात यह है कि यहां पर पूरी केसिंग में वाटर का फिल होना बहुत जरूरी होता है, इसलिए यहां पर नीचे फुट वॉल लगाया जाता है जो कि वन साइडेड वॉल होता है। एक बार पानी पंप के अंदर एंटर कर गया, अगर आपने पंप बंद भी कर दिया तो भी पानी यहां से नीचे नहीं आता, यही रुक जाता है। तो जब आप नेक्स्ट टाइम पंप स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी पानी जो है वो सक्शन पाइप में रहेगा, तो उसकी जो केसिंग है पानी उसमें भरा रहेगा, तो इसलिए प्राइमिंग बार बार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब फुट वॉल खराब हो जाएगा तो फिर आपको प्राइमिंग बार बार करने की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब आपको पंप को खोल के पानी डालना पड़ेगा, फिर वो स्टार्ट होगा। सो दिस इज द प्रॉब्लम। कई बार आपका जैसे एयर पॉकेट आ जाता है, आपने खाली पंप को रोटेट कर दिया तो वहां पर भी सक्शन एयर आ जाएगा। जब भी एयर यहां पर आएगा ना, बेसिकली आपको प्राइमिंग करनी पड़ेगी, आपको वाटर ऊपर से डालना पड़ेगा। प्राइमिंग का मतलब कुछ नहीं होता, केसिंग को पानी से भरना है, क्योंकि ये बेसिकली डायनेमिक एक्शन पर डिपेंड कर रहा है। अब सोचो एयर में खाली मूव कर रहा है, खाली मूव करने में क्या हुआ भाई, एयर का एयर के लिए थोड़ी डिजाइन है, एयर का तो प्रेशर थोड़ी इंक्रीज कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा। तो इसको बेसिकली सक्शन क्रिएट करने के लिए वाटर की जरूरत है, ठीक है। चलिए, सो पॉइंट इज दैट कि आपको ये फुट वॉल यहां पर लगा होता है। उसके बाद ये आपका सक्शन पाइप है जहां से आप फार्ट को सक्शन करेंगे। ये सक्शन फ्लेम होता है, कभी कभार रोकना है अगर वाटर को तो उसके लिए यूज होता है, ठीक है। ये डिलीवरी वाल्व होता है, इसको स्टॉप वगैरह किया जाता है। ये डिलीवरी पाइप होता है, ये आपका इंपीलर होता है जो कि ब्लेड रोटेट कर रही है। ये डिलीवरी फ्लैग होता है, आदर्श इट्स मोर देन सफिशियंट फॉर योर बीटेक क्लासेस, इट्स मोर देन सफिशियंट फॉर योर बीटेक क्लासेस, ठीक है। कभी कोई सब्जेक्ट पढ़ लेना तो समझ में आ जाएगा। यहाँ पर ओवरहेड वाटर टैंक होता है। अब इस टैंक में जहाँ पर आपको वाटर सप्लाई करना है तो जिस वेलोसिटी से जा रहा है दैट इज कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी, दिस इज कॉल्ड डिस्चार्ज वेलोसिटी। तो ये पूरा साइंटिफिकल पंप है वी हैव। अब इसके अंदर हम लोग बहुत अलग अलग हेड की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक हेड, स्टैटिक हेड क्या होता है। फिर हम बात करेंगे मैनोमेट्रिक हेड, मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है। सो स्टैटिक हेड होता है कि भैया देखो पानी को जहां से उठा के जहां डालना है, ये टोटल हेड यहां से उठाना है पानी को और यहां से डालना है, तो ये सक्शन हेड होगा। जहां से पानी को खींचना है दिस इज सक्शन, और जहां डिस्चार्ज करना है डिलीवर करना है उसको डिलीवरी हेड कहते हैं। तो स्टैटिक हेड इज नथिंग बट जो सक्शन हेड और डिलीवरी हेड को मिला के जो हेड बनता है दैट इज कॉल्ड डिलीवरी स्टैटिक हेड। देखो यार, किसी भी कॉलेज को चूज करो, चाहे वो स्टेट रैंक गवर्नमेंट कॉलेज हो चाहे वो प्राइवेट कॉलेज हो, प्लीज सी द प्लेसमेंट्स। कुछ कुछ प्राइवेट कॉलेज के प्लेसमेंट अच्छे होते हैं, जैसे कि VIT वेलोर है। अब उसके अंदर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हमेशा अच्छे प्लेसमेंट होते हैं, तो अगर इफ यू आर चूजिंग अ मैकेनिकल इंजीनियरिंग यू शुड गो फॉर दैट, ठीक है। कुछ कॉलेज में प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज इज गुड, कुछ स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज में प्लेसमेंट एज कम्पेयर टू एनी अदर प्राइवेट कॉलेज इज गुड। सो प्लीज सी द प्रीवियस ईयर प्लेसमेंट्स, बिकॉज ऑल अबाउट व्हेन यू टेक इंजीनियरिंग इट्स ऑल अबाउट द प्लेसमेंट्स। ओके, सो अगर प्लेसमेंट ही नहीं होगा तो फिर फायदा क्या है कॉलेज का, तो उसी से पता चलता है कॉलेज कितना औकात है उसकी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट इज दिस इज कॉल्ड मैनोमेट्रिक हेड। अब मैनोमेट्रिक हेड क्या होता है, मैनोमेट्रिक हेड होता है जो हमको टोटली सप्लाई करना है यहां पर। कैसे, देखो देखो पंप को कितना हेड डेवलप करना है। सबसे पहले पंप को यहां से वाटर को खींचना है तो एक तो सक्शन हेड चाहिए, लेकिन पंप जब वाटर को यहां से खींचेगा तो कुछ ना कुछ फ्रिक्शन तो होगा, उस फ्रिक्शन की वजह से यहां पर फ्रिक्शन लॉस होंगे और उसको भी पंप को ओवरकम करना है भाई। जब पानी इस पाइप में खींचा जाएगा तो पाइप की वजह से फ्रिक्शन तो होगा, तो वहां के फ्रिक्शन लॉसेस को भी ओवर करना है। तो पहला सक्शन हेड प्लस सक्शन पाइप में जो फ्रिक्शन लॉसेस हो रहे हैं, उसके बाद
डिलीवरी पाइप में जब फ्लूड फ्लो करेगा तो पहली बात तो वाटर को डिलीवरी हाइट तक पहुंचाना है, फिर जब डिलीवरी पाइप में फ्लूड फ्लो करेगा तो यहां पर फ्रिक्शन लॉसेस होंगे, तो वो लॉसेस, उसके अलावा भी कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस होगी, दैट इज इन द डिस्चार्ज वेलोसिटी, तो वो भी आपके पंप को सप्लाई करना है। तो मैनोमेट्रिक हेड वो हेड होता है जो एक्चुअली आपके पंप को सप्लाई करना है, दिस इज कॉल्ड द मैनोमेट्रिक हेड जो आपके पंप को सप्लाई करना है। तो दो हेड होते हैं, एक स्टैटिक हेड, ठीक है, जो कि सक्शन प्लस डिस्चार्ज हेड से मिलकर बना है, और एक होता है मैनोमेट्रिक हेड जो आपके पंप को सप्लाई करना है। अब अगर आपका पंप जो है इट इज सप्लाइंग अ पावर एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू, तो इस पावर को हेड में कन्वर्ट करना है, तो हम लोग एम डॉट अपॉन जी से अपॉन कर दें। इसका मतलब आपका जो पंप है वो कितना पावर सप्लाई करेगा, वी डब्ल्यू हेड डेवलप कर रहा है वी डब्ल्यू टू, अगर वो पी पावर सप्लाई कर रहा है तो इतना हेड डेवलप कर रहा है। अब ये जो हेड है, दिस हेड दिस पावर शुड बी इक्वल टू और ग्रेटर देन मैनोमेट्रिक हेड, क्योंकि अगर ज्यादा होगी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन अगर कम होगी तो वाटर लेवल को वो राइज नहीं कर पाएगा। तो जो पंप पावर सप्लाई कर रहा है वो मैनोमेट्रिक है, या पंप जो हेड सप्लाई कर रहा है वो मैनोमेट्रिक हेड के बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, कम होगा तो काम ही नहीं चलेगा, क्योंकि यहां पर और भी लॉसेस हो सकते हैं जो हमने नहीं लिए, जैसे कि पाइप बेंड के लॉसेस हो सकते हैं, वॉल आपने लगा रखा है तो वॉल पर लॉसेस हो सकते हैं जो आपने नहीं लिए हैं, अभी एडिस बन रही है तो एडिस की वजह से लॉस हो सकते हैं। तो इसीलिए जो पंप सप्लाई करेगा हेड, इट शुड बी ग्रेटर देन द मैनोमेट्रिक हेड। सो मैनोमेट्रिक हेड वो हेड होता है जो पंप को सप्लाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज द पंप विल नॉट वर्क, वाटर को वो हाई हेड तक सप्लाई नहीं कर पाएगा। तो दो हेड हो गए हमारे, स्टैटिक हेड और मैनोमेट्रिक हेड। अब पंप के अंदर वेरियस एफिशिएंसी की बात करते हैं, तो पंप के अंदर सबसे पहले हम बात करेंगे लॉसेस क्या क्या होते हैं। तो पंप के अंदर हमारे तीन टाइप के लॉसेस होते हैं, तो हमारे पास तीन तरह के लॉस होते हैं। एक होता है हाइड्रोलिक लॉस, हाइड्रोलिक लॉसेस, ओके। सो हाइड्रोलिक लॉस क्या होगा भैया, शॉक वेव बन गई है, बहुत सारे लॉस होते हैं, फ्रिक्शन हो रहा है इंपीलर के अंदर, फ्लूड मूव कर रहा है उसकी वजह से लॉस हो रहा है, तो ये सारे के सारे लॉस जो है हाइड्रोलिक लॉस में आते हैं। तो कुछ लॉस मैं लिख देता हूं, शोक और एडी लॉस, एट एंट्रेंस एंड एग्जिट फ्रॉम इंपीलर, losses due to friction, in impeller, friction and eddy loss, in the guide vanes or diffuser एंड केसिंग। सो दिस आर द हाइड्रोलिक लॉस, और भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं, सबको लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे कि हाइड्रोलिक लॉस, माइनर लॉसेस इन पाइप, सक्शन पाइप और डिलीवरी पाइप, सो दिस आर द लॉसेस एक्चुअली टेकिंग प्लेस इन द सेंट्रिफ्यूगल पंप। सेकेंड होता है हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस, सो मैकेनिकल लॉसेज इज लॉसेज ड्यू टू डिस्क फ्रिक्शन
बिटवीन द इंपीलर एंड लिक्विड विच फिल्स द क्लियरेंस स्पेस। Between the impeller and casing, okay. Losses in bearing. These are the mechanical losses. तीसरा होता है leakage losses. आपने कई बार देखा होगा pump वगैरह leak करता रहता है, तो तीसरा टाइप के लॉस होते हैं लीकेज लॉसेस। द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू लीकेज इज नोन एज लीकेज लॉसेस। सो ये सारे लॉसेस होते हैं, तीन टाइप के लॉसेस होते हैं पंप के अंदर। अब इन तीनों तरह के लॉसेस की वजह से हमारे पास एफिशिएंसीज आती हैं, जिनको बोलते हैं मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, वॉल्यूमेट्रिक ओवरऑल एंड मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, सो सबसे पहली बात होती है मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की। सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी इज नथिंग बट, सबसे पहले हम बात करेंगे मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी की। सो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी is nothing but manometric head। भाई आपने manometric head कितना develop किया, upon head imparted by impeller to liquid, इसको कहते हैं हम manometric head। सो हम लोग ने मैनोमेट्रिक हेड कितना हो गया, ये हमारा पास एच मैनोमेट्रिक हेड है, और हम लोग जो इंपीलर कितना हेड डेवलप कर रहा है या कितना हेड फ्लूड को सप्लाई कर रहा है, ये हमने पावर को जब हेड में कन्वर्ट किया तो यही फॉर्मूला आया था। तो मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी का जो फॉर्मूला आता है वो आता है जी एच मैनोमेट्रिक हेड अपॉन वी डब्ल्यू टू यू टू। अभी मैंने आपको बताया था होता क्या है कि जो मैनोमेट्रिक हेड होगा दैट मस्ट बी लेस देन वी डब्ल्यू टू। जितना आप ज्यादा आप पावर ज्यादा सप्लाई करते हो और मैनोमेट्रिक हेड कम होता है, क्योंकि मैनोमेट्रिक हेड में अभी आपने क्या क्या लिए हैं, मैनोमेट्रिक हेड में आपने सक्शन हेड लिया, सक्शन पाइप में लॉस लिया, डिस्चार्ज हेड लिया डिस्चार्ज पाइप में, और डिस्चार्ज वेलोसिटी का लॉस लिया। लेकिन बहुत सारे अदर लॉसेज भी हैं, जैसे कि पाइप बैंड का लॉस, माइनर लॉस, और भी लॉसेज है जो कि हो सकते हैं, वो आपने अभी नहीं लिए हैं, जिसकी वजह से जो मैनोमेट्रिक हेड होगा दैट शुड बी लेस देन द हैड यू इम्पार्टेड टू द फ्लूड बाय द पंप। जो आप हेड सप्लाई कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ पंप वो ज्यादा होगा। सो दिस इज द फॉर्मूला। तो जी मैनोमेट्रिक हेड वी डब्ल्यू टू यू टू इज अ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी। अब उसके बाद आता है हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, दिस कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। ठीक है, तो व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। मैंने अभी आपको बोला कई बार आप देखो पंप देखा होगा उसमें से पानी छोटा छोटा टिपकता रहता है, तो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी क्या होती है, लिक्विड डिस्चार्ज पर सेकंड फ्रॉम द पंप and quantity of water, the quantity of liquid passing per second through impeller।
अब आप बोलोगे सर यार सर लॉस कहाँ हो रहे हैं पानी के, बेसिकली होता क्या है वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी की अगर हम बात करें तो ये जो इंपीलर ब्लेड से इससे पानी जो निकलता है वो अलग क्वांटिटी होती है, सपोज इट इज क्यू, लेकिन जब इंपीलर ब्लेड से निकलने के बाद वो वर्टेक्स केसिंग के अंदर जाएगा, वर्टेक्स केसिंग में आएगा, वॉल्यूट चैम्बर में जाएगा, ये सब कनेक्टेड होते हैं बेसिकली किसी ना किसी, तो उसके थ्रू यहाँ पर ये भी पाइप है, यहाँ पर जॉइंट है, तो इन जॉइंट्स के थ्रू लीकेज होता है, वर्टेक्स केसिंग भी यहाँ पर कनेक्टेड होती है, वहाँ पर भी जॉइंट होते हैं, वहाँ पर भी लीकेज हो जाते हैं, इसकी वजह से यहाँ से तो वाटर ज़्यादा पास हो रहा है लेकिन एक्चुअली में यहाँ पर जो पहुँचेगा डिस्चार्ज होगा वो वाटर आपका कम होगा, तो ये जो डिस्चार्ज लॉस हो रहा है इसको वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी से रिप्रेजेंट करते हैं, तो दैट वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी विल बी क्यू अपॉन क्यू पी, स्मॉल क्यू, स्मॉल क्यू इज अ लीकेज, तो ये लीकेज की वजह से लॉस होते हैं। नहीं, मैनोमेट्रिक वो हेड होगा जिसको पंप को मिनिममली देना ही पड़ेगा, उससे कम अगर वो देता है तो वाटर हाई हेड तक पहुंचेगा ही नहीं। मैनोमेट्रिक हेड में जो इसेंशियल लॉसेस हैं सक्शन हेड, फ्रिक्शन लॉस, डिस्चार्ज पाइप डिस्चार्ज लॉस और वीडी, ये आ जाते हैं, लेकिन पंप को इससे ज़्यादा ही सप्लाई करना पड़ेगा, इससे कम अगर करेगा तो फिर वो पानी सप्लाई ही नहीं होगा, ये वो मिनिमम हेड है जो पंप को देना ही पड़ेगा टू सप्लाई द वाटर एट अ हायर हेड, इससे अगर वो कम करेगा तो फिर वाटर सप्लाई नहीं होगा, ज्यादा करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, डिस्चार्ज वेलोसिटी बढ़ जाएगी और ठीक है, बट कम करेगा तो बेसिकली वाटर वहां पर पहुंचेगा ही नहीं जहां पर उसको पहुंचाना है। थर्ड होता है आपका मैकेनिकल एफिशिएंसी, थर्ड इज मैकेनिकल एफिशिएंसी। ठीक है, सो मैकेनिकल एफिशिएंसी क्या होती है, मैकेनिकल एफिशिएंसी इज पावर डिलीवर बाय द इंपीलर टू द लिक्विड, इंपीलर को हमने कितनी पावर दी, या सॉरी इंपीलर ने लिक्विड को कितनी पावर दी, लिक्विड अपॉन पावर इनपुट टू दी पंप शाफ्ट, पंप शाफ्ट पर आप कितनी पावर दे रहे हो, तो दिस इज कॉल, तो इंपीलर को तुमने कितनी पावर सप्लाई की होगी, दैट इज एम डॉट, एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू बाई जी, या एम डॉट वी डब्ल्यू टू यू टू and this is a shaft power, this is called mechanical efficiency, and last one will be the overall efficiency, so overall efficiency kya hoga bhai, overall efficiency hoga power output of the pump upon power input to the pump shaft. अब output क्या हुआ है, output ये हुआ है कि pump ने Q discharge manometric head तक supply किया, ये output हो रहा है, input क्या है जो shaft पर दे रहे, दिस एफिशिएंसी इज कॉल ओवरऑल एफिशिएंसी, तो ओवरऑल एफिशिएंसी को हम बेसिकली ये भी लिख सकते हैं, इट इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैनोमेट्रिक एफिशिएंसी, मैकेनिकल एफिशिएंसी इनटू वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सो ओवरऑल एफिशिएंसी इज ऑल्सो मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैनोमेट्रिक, मैकेनिकल एंड वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी, सो ये इतनी एफिशिएंसी हमारी सेंट्रीफ्यूगल पंप में आती है। I hope is that clear to everybody now. देखो वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी में ये होता है कि जो हम देखो कई बार क्या होता है, जैसे आप
इम्पीलर से निकलने के बाद जो वोल्यूट केसिंग लगा रहे हो आप, वहाँ पर भी जॉइंट है, वॉल लगा रहे हो वहाँ पर भी जॉइंट है, पाइप आपने जोड़ रखे हैं वहाँ पर भी जॉइंट है, तो जब पानी बाहर निकलेगा तो वो पानी जो है जॉइंट के थ्रू लीक कर जाता है। तो इम्पीलर ब्लेड्स के थ्रू जो वाटर पास हुआ वो अलग होता है, जो एक्चुअली में डिस्चार्ज हो रहा है वो अलग होता है, जो एक्चुअली में यहाँ पर डिस्चार्ज होगा वो अलग होगा। यहाँ से वाटर लीक कर गया, छोटा छोटा सा लीक कर गया, तो उसकी वजह से डिस्चार्ज वाटर अलग होगा और जो यहाँ से पास हुआ था वो डिस्चार्ज अलग होगा। तो उसी के रेशियो को हम कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक एफिशिएंसी। तो बेसिकली ये कुछ नहीं होता, पंप कई बार आपने देखा होगा यार पानी टपकता रहता पंप से, किसी किसी पंप केसिंग में आपने देखा होगा पानी टपकता रहता है। तो वो पानी इसलिए टपकता है क्योंकि वहाँ पर बोल्ट नट वाले कनेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से। अरे यहां तक कहानी समझ में आई सभी को? लो क्वेश्चन सॉल्व करो। इंपीलर ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप हैज एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ 450 एंड इंटरनल डायमीटर ऑफ 200 mm। इट्स रन एट 1440 आरपीएम। अज्यूम अ कांस्टेंट रेडियल फ्लो थ्रू अ इंपीलर। ओके, मैं 10 मिनट दे रहा हूं यहां पर, इसको सॉल्व करिए आप। आई एम जस्ट कमिंग टू सॉरी। किया किसी ने?
कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। सो इट्स वेरी थैंकफुल कि भाई बच्चे कहीं पर भी हो क्लास तो अटेंड कर ही रहे हैं। सो यस एब्सोल्युटली इंजॉयबल द इंपीलर ऑफ द सेंट्रिफ्यूगल पंप, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अगर नहीं सॉल्व कर पा रहे हो कोई समस्या नहीं है, बट जो कर पा रहे हैं वो तो करें एटलीस्ट। जो बच्चे देव वगैरह आप लोग तो घर पे ही हो, तो इसका मतलब कल मोटिवेशन में कुछ फर्क पड़ा। यू आर नॉट वेस्टिंग योर टाइम। शुड आई सॉल्व दिस क्वेश्चन टू यू? आई एम जस्ट गिविंग 2 मिनट मोर एंड उसके बाद फिर मैं सॉल्व कर लूंगा। आपको 2 मिनट और दिए जा रहे हैं। D1 यहां पर दे रखा है आपको 0.2, 200 mm है तो मीटर बदल लेंगे तो 0.2। ओके D2 आपको क्या दे रखा है? D2 आपको दे रखा है 0.45। RPM दे रखी है आपको 1440 RPM। और आपको यहां पर दे रखा है फ्लो वेलोसिटी। अब हाँ यहां पर और ये बोला गया, अज्यूम अ कांस्टेंट रेडियल फ्लो विलो फ्लो थ्रू अ इंपीलर एट 2.5। तो इसका मतलब फ्लो वेलोसिटी कांस्टेंट दे रखिए 2.5 मीटर पर सेकेंड से। और वेन एंगल एट एग्जिट पूछा है, द वेन एंगल एट एग्जिट आर सेट बैक एज 25 डिग्री। इसका मतलब बीटा 2 अपन को कितना दे रखा है? 25 डिग्री दे रखा है। और क्या पूछा है? इनलेट वेन एंगल, इसका मतलब बीटा 1 पूछा है। एंगल द एंगल एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एग्जिट मेक विद द टेंजेंट, इसका मतलब अल्फा 2 पूछा है। और आपको वर्क डन पर न्यूटन ऑफ वाटर पूछा है, इसका मतलब पावर वगैरह आपसे पूछा हुआ है। तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व, लेट्स सी। ओके तो 2 मिनट हो गए हैं, आंसर किसी का नहीं आया, सो आई हैव टू सॉल्व दिस क्वेश्चन राइट। सबसे पहली बात तो आपको क्या करना होता है? सबसे पहली बात तो वेलोसिटी ट्राइंगल बनाओ। सबसे पहला काम आपको यही करना है, वेलोसिटी ट्राइंगल। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हम पंप की बात करते हैं वी हैव अ बैकवर्ड बिलो कर्व, बस इतना करना है। यहां से वेलोसिटी जो है वो V1 इस तरह से होगी, U जो है वो इसके परपेंडिकुलर, और इस प्रोफाइल के टेंजेंट बनाता हुआ एक VR बन जाएगा। तो ये हमारा U1 है, ये हमारा V1 है, और ये हमारा VR1। अब यहां से जब जेड बाहर निकलता है तो अगेन टेंजेंट बनाएगा, और किस वेलोसिटी से निकलता है? रिलेटिव वेलोसिटी से VR2। ये होगा हमारा U2 इसके पर, U2 ज्यादा होता है तो बड़ा कर दो इसको, ये हो जाएगा हमारा V2। V2 के 2 कंपोनेंट होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल कंपोनेंट ये हो गया, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये हो गया। और ये हो जाएगा VF। अब जैसे जैसे कहानी है, VR1 से बनने वाला एंगल क्या कहते हैं हम? बीटा 1। ये हम अल्फा 1 लेके चले हैं, ये हम अल्फा 2 कहते हैं, और ये हम बीटा 2 लेके चले हैं। इसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन। अब आपको यहां पर क्या पूछा है? आपको यहां पर सबसे पहले क्वेश्चन में बीटा 2 पूछा है, सॉरी बीटा 1 पूछा है। सो बीटा 1 क्या होगा? ये वाला एंगल। इसके लिए मुझे B1 और U1 पता होना चाहिए।
सबसे पहली बात तो यहां पर जो V1 होगा वही VF1 होगा, और क्वेश्चन में VF1 की वैल्यू और VF2 की वैल्यू बराबर हो और उसकी वैल्यू 2.5 दे रखी, तो इसका मतलब फ्रॉम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल हमें VF1 पता है कितना है, 2.5 मीटर पर सेकंड। अब रही बात U1, अगर U1 आ जाएगा तो इस एंगल की वैल्यू भी आ जाएगी। कैसे? U1 के लिए हमें डायमीटर दे रखा है यार, ये हैंग हो गया, 2 मिनट हैंग हो गया, ये ज्यादा पेजेस हो गए होंगे, आई थिंक ऐप हैंग हो गई है, वेट फॉर 2 मिनट्स। रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है यार, सॉरी अब जाके रिस्पॉन्ड किया। सो देखिए ये V1 हो गया, अभी U1, अब U1 जो होता है उसकी वैल्यू y5d1n/60 पाई 3.14 डायमीटर हमको यहां पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, कितना दिया हुआ है D1 0.2, तो ये 0.2 और n दैट इज रोटेशनल RPM, ये हमारा कितना है यहां पर 14040 1440/60। क्योंकि कर्व ब्लेड में सेंट्रिफ्यूगल स्ट्रेसेस आता है बेटा, जब कर्व ब्लेड की बात करते हैं तो कई बार यहां पर सेंट्रिफ्यूगल स्ट्रेसेस डेवलप होता है, तो उससे बचने के लिए रेडियल ले सकते हैं। जब ये कर्वेचर में मूव करेगा तो यहां पर सेंट्रिफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगा जो कि ब्लेड को तोड़ सकता है। सो U1 इक्वल टू कितना होगा, U1 इक्वल टू अपना हो जाएगा 15.08 मीटर पर सेकेंड। ओके, अब U1 आ गया अपने पास 15.08, VF1 है तो tan बीटा 1 कितना भारी है भाई, सो tan बीटा 1 कितना होगा, tan बीटा 1 हो जाएगा हमारे पास VF1/VU1, तो बीटा 1 इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास 10 इनवर्स
VF1 is 2.5, U1 is 15.08. सो बीटा वन की वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 9.4 डिग्री आ रही है क्या, बताना मुझे कितना आ रहा है, 9.4 डिग्री के आसपास आ रहा है क्या? नाइन पॉइंट फोर डिग्री, अब सेकंड पार्ट में आपसे पूछा एंगल, द एंगल एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ वाटर एट एग्जिट मेक विद द टेंजेंट, इसका मतलब अल्फा टू पूछा है, तो अल्फा टू कहाँ है, ये रहा अल्फा टू। अल्फा टू कैसे निकाल सकते हो, अगर मेरे पास वी एफ टू आ गया जो कि ऑलरेडी है और मेरे पास वी डब्ल्यू टू आ गया तो कहानी बन जाएगी। सो देखते हैं कि क्या मैं वी एफ टू निकाल सकता हूं। क्लियर है अंदर? अब देखो क्या होता है कहानी, कहानी में मोड़, वी एफ टू की वैल्यू अपन को 2.5 दे रखी है, यू टू की वैल्यू तुमने निकाल ली है 33.91। इसका मतलब इस ट्राइंगल में मुझे एक चीज तो पता है कि 2.5 है और ये वेलोसिटी 33.93 है, और भी कुछ पता है क्या, देख लेते हैं। यस, बीटा टू एंगल दे रखा है, कितना दे रखा है, 25 डिग्री। वो मैं आपको बताऊंगा जब फॉरवर्ड कर्व ब्लेड्स और रेडियल कर्व ब्लेड्स की बात करूंगा। रेडियल देखो दो चीज होती है, एक रेडियल इनलेट होता है, रेडियल इनलेट, रेडियल आउटलेट होता है, और एक होता है अपना कर्वेचर कि भाई फॉरवर्ड कर्व ब्लेड है, बैकवर्ड कर्व ब्लेड है या रेडियल कर्व ब्लेड है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे, अभी इक्वेशन भी डेवलप करेंगे, वी विल डिस्कस अबाउट इट, समझ में आ जाएगा चीजें, ठीक है। सो डोंट टेक टेंशन। सो देखो हमको VW2 पता है, तो क्या मैं ये लेंथ निकाल सकता हूं, सपोज आई डोंट नो व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस, तो मान लीजिए मैंने x नाम दिया इसको, क्या मैं x निकाल सकता हूं, क्योंकि अगर मैं u2 माइनस x कर दूंगा तो VW2 आ जाएगा, u2 माइनस x विल बी द VW2। अब VF2 पता है मुझे, ये ट्राइंगल मुझे दिख रहा है, VF2 पता है मुझे, और ये ट्राइंगल में देखूं इसमें ये एंगल पता है, ये साइड पता है, मुझे इस लेंथ की वैल्यू निकालनी है। सो आप जानते हो कि टेन बीटा टू क्या होगा, टेन बीटा टू, बीटा टू इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, इट विल बी इक्वल टू वी एफ टू अपॉन एक्स के बराबर, तो एक्स कैन बी राइट एज वी एफ टू अपॉन टेन बीटा टू। यस, वेरी गुड। तो इसका मतलब यहां पर जो एक्स की वैल्यू है वो किसके बराबर आएगी, यू टू माइनस वी F2 अपॉन टेन बीटा टू। अब टेन बीटा टू पता है, U2 हमें पता है, तो VW2 आ गया 33.912, VF2 2.5, टेन बीटा टू, बीटा टू इज 25 डिग्री, तो इससे VW2 आ जाएगा तुम्हारे पास, ये आता है 28.57। सो वो आप निकाल लेना 28.57, ये आपका क्या आ गया, VW2 आ गया। अब आपको क्या निकालना था, आपको तो निकालना था ना अल्फा 2, सो टेन अल्फा 2 क्या होगा, बहुत सिंपल भाई, टेन अल्फा 2 सर, सर टेन अल्फा 2 होगा सर VWF2 अपॉन VW2। सो अल्फा 2 इज इक्वल टू टेन इनवर्स VF2 अपॉन VW2। अब VF2 तो हमें ऑलरेडी पता था,
2.5 और VW2 अभी हमने कैलकुलेट किया 28.57। सो इससे अल्फा 2 की वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ये आ गया, कितने आएगी निकाल देना, आई थिंक 0.5 डिग्री आएगी। तो ये आंसर आ गया। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है कि बताइए वर्क डन पर यूनिट वेट क्या होगा। तो वर्क डन पर न्यूटन ऑफ वाटर बेसिकली ये हेड की बात कर रहा है। वर्क डन पर यूनिट ऑफ वाटर पर न्यूटन ऑफ वाटर इज नथिंग बट VW2 U2 by G। क्योंकि भाई सिंपल सी बात है, अगर हम वाटर के वेट को अपॉन करते हैं, हमारे पास पावर का फॉर्मूला क्या है, पावर का फॉर्मूला है M.VW2 U2। अगर हम वाटर के वेट, वेट कितना होगा M into G, अगर अपॉन कर दें तो पावर क्या बन जाएगी, पर यूनिट वेट अपॉन जी हो जाएगा। दिस इज कॉल हेड ऑल्सो, और ये जो पावर हेड होता है इसको बोलते हैं हम लोग वर्क डन पर यूनिट वेट। तो पावर हेड को हम वर्क डन पर यूनिट वेट भी कहते हैं। इसका मतलब VW2 U2 upon G इज नथिंग बट अ वर्क डन पर यूनिट हेड ऑफ वाटर। सो देखिए VW2 की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी आएगी 28.57। U2 की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 33.912। इसमें मल्टीप्लाई करके G से अपॉन कर दीजिए तो ये आ जाएगा यहाँ पर 98.81। दिस इज द आंसर। यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है? बाकी हम लोग सारे क्वेश्चन हम लोग इवनिंग वाली क्लास में करेंगे अब। ओके, आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, हम लोग इवनिंग वाली क्लास में पम के और भी क्वेश्चंस करेंगे, करेक्टरिस्टिक कर्व के बारे में पढ़ेंगे, पम के करेक्टरिस्टिक कर्व, कैविटेशंस क्या होता है, और हमारी ड्राफ्ट ट्यूब क्या होती है, कैविटेशंस पर क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, ये सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम लोग रेसिप्रोकेटिंग पम का फंक्शन क्या होता है, डबल एक्टिंग पम, सिंगल एक्टिंग पम, स्लिप, नेगेटिव स्लिप, ये सब क्या होता है, फिर उसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो ये हम लोग सब नेक्स्ट क्लासेस में करते हैं। ठीक है, तो शाम को नेक्स्ट क्लास है, सो प्लीज डू कम इन द क्लासेस। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, मीट इन द नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, आई होप यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग, इफ एनीबडी हैज एनी डाउट यू कैन आस्क। सो प्लीज थैंक यू वेरी मच, एंड आज स्पेशल क्लास तो नहीं होगी, लेकिन आज स्पेशल क्लास नहीं होगी क्योंकि मैं सुबह ले लिया है, फिर शाम को लूंगा तो गला ही दुखने लग जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच टू ज्वाइन द क्लास, बट कल मैं स्पेशल क्लास लूंगा। सबसे पहले हम कैविटेशन कंप्लीट करेंगे, तो सुबह या मैं शाम को एक स्पेशल क्लासेस कैविटेशन की लूंगा। उसके बाद फिर अगला 30 और 31 को हम लोगों ने जैसा कि प्लान किया है, टेस्ट प्लान किया है,